यस सरकार माहौल। सो नेक्स्ट पॉइंट, अगला जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये जो रिकॉर्डिंग है आपके लिए, ये है रिवीजन टेस्ट पेपर मई 2020 बाय आईसीआई सीए फाइनल, जो अभी एग्जाम जुलाई 20 में होने वाला है। ये लेक्चर बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए सर। रिवीजन टेस्ट पेपर आरटीपी सर, आई होप लेक्चर जो रिविजन्स के थे चैप्टर वाइज रिविजन लेक्चर्स आपको मिल गए हैं, आप सब वो लेक्चर्स को यूज़ कर रहे हो, उसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है। और हाँ, जो मैंने रिविजन लेक्चर्स अभी रिसेंटली अपलोड किए यूट्यूब पर, ये लेक्चर्स जुलाई 20 एग्जाम्स एज वेल एज नवंबर 20 एग्जाम्स दोनों के लिए रिलेवेंट है। मैंने क्या किया लेक्चर, आपने जब देखे होंगे रिविजन्स, तो इसमें क्या किया था मैंने, जो भी अमेंडमेंट्स आए थे नवंबर 20 के लिए, तो वो भी साथ में बोल दिया था मैंने, तो जिनके जुलाई 20 एग्जाम्स है उनके लिए भी काम आ गया, और उसमें क्या अमेंडमेंट हुआ वो नवंबर 20 के लिए भी काम आ जाएगा बच्चों। ओके, तो चल सर अब हम शुरू कर रहे हैं क्या, रिवीजन टेस्ट पेपर आरटीपी सीए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्स मई 20 एग्जाम्स के लिए। बच्चों जो लास्ट एग्जाम का आरटीपी था उसका रिकॉर्डिंग मैं ऑलरेडी पहले वाले एग्जाम के टाइम पे अपलोड कर चुका हूँ, वो आप ऑलरेडी देख सकते हो सर, आपने ऑलरेडी देखा भी होगा। जो रिवीजन टेस्ट पेपर था लास्ट एग्जाम वाला, वो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है, वो भी आप देख लीजिएगा बच्चों। क्लियर? अच्छा, जिनके भी जुलाई 20 एग्जाम्स है, जो लोग ऑप्ट आउट नहीं कर रहे, जो लोग एग्जाम्स दे रहे हैं, ध्यान देना बच्चों, आपके लिए जो मई 20 एग्जाम्स के लिए अमेंडमेंट रिलेवेंट थे वो तो ऑलरेडी हमने दिसंबर 19 में ही अपलोड कर दिए थे, पर जिन भी स्टूडेंट्स के एग्जाम नवंबर 20 में है, या जिन्होंने अभी ऑप्ट आउट किया है, या जिनके कुल मिला के एग्जाम्स नवंबर 20 में होने वाले हैं, उनके लिए भी अमेंडमेंट लेक्चर ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब पर, जो आपको मिल गए होंगे, आपने देखे भी होंगे, पर इनकेस अगर किसी ने अभी रिसेंटली ऑप्ट आउट किया है, तो दे कैन ऑल्सो रेफर दोज अमेंडमेंट लेक्चर्स फॉर नवंबर 20 एग्जाम्स विद अमेंडमेंट नोट्स। ओके बच्चों, तो सर शुरू करते हैं हम आरटीपी। अच्छा, ये आरटीपी का लेक्चर केवल जुलाई 20 एग्जाम्स वालों के लिए नहीं है, ये आरटीपी का लेक्चर जिनके नवंबर 20 या मई 21 एग्जाम्स रहेंगे उनके लिए भी तो आरटीपी है। दिस इज नथिंग बट जस्ट अ प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बाय द आईसीआई इन आरटीपी। ओके, तो सरकार शुरू करते हैं हम क्वेश्चंस। ओके सर, फर्स्ट क्वेश्चन फॉर इनडायरेक्ट टैक्स आरटीपी है। आप लोग क्या करिए, आरटीपी अपने हाथ में रखिएगा बच्चों, रिविजन टेस्ट पेपर अपने हाथ में रखिएगा, या फिर जिनके पास भी नया क्वेश्चनर हमारा होगा, नया क्वेश्चनर जो अभी हम अब रिलीज कर रहे हैं, नया क्वेश्चनर अगर आपके पास है तो उसमें भी हमने आरटीपी के क्वेश्चन दे रखे हैं, लास्ट में आरटीपी हमने बुक के एंड में दे रखा है। ओके, या फिर आप आईसीआई की वेबसाइट से भी आरटीपी ले सकते हो बच्चों। ओके सर, आरटीपी मई 2020 माहौल सर, फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है बेटा, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और हाँ ये केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू है, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू है, जिसमें बहुत सारे एक क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है। सो ध्यान से देखना बच्चों आप, आइए। एबीसी पेट्रोलियम लिमिटेड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। इट हैज वन रिफाइनरी ईच इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र। ओके सर, देना एबीसी पेट्रोलियम लिमिटेड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। बेटा पेट्रोलियम, ओके सर, देना केवल पेट्रोल नहीं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, और आपको पता है वो 5 गुड्स जो पेट्रोल रिलेटेड है उन पे जीएसटी लेवी नहीं होता है, बाकी गुड्स पे तो जीएसटी लेवी होता है बच्चों। ओके, इट हैज वन रिफाइनरी ईच इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र, एंड न्यूमरस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मार्केटिंग ऑफिसेज स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री। ठीक है साहब, द कंपनी हैज सेपरेट मार्केटिंग कम एडमिन ऑफिसेज फॉर एवरी मेजर स्टेट एंड कॉमन एडमिन कम मार्केटिंग ऑफिसेज फॉर अ ग्रुप ऑफ स्मॉल स्टेट्स, एग्जाम्पल ऑल नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स आर कवर्ड अंडर वन मार्केटिंग कम एडमिन ऑफिस। ओके सर, इन्होंने क्या किया हुआ है कि एक कॉमन एडमिन कम मार्केटिंग ऑफिस बनाया हुआ है फॉर अ ग्रुप ऑफ स्मॉल स्टेट्स, जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट हो गए सर, तो वहां के लिए इन्होंने कॉमन एक ऑफिस बनाया हुआ है सर। ओके, द कंपनी ऑल्सो ब्लेंड्स लुब्रिकेंट्स इन इट्स ब्लेंडिंग प्लांट्स लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। ओके बच्चों, पता है क्या होता है, जब इतना हम पैराग्राफ पढ़ते हैं तो कई बार क्या होता है, ये जैसे पेट्रोलियम इंडस्ट्री के लिए स्पेसिफिक पॉइंट हो गया, अब इतना सारे स्टेट के इसने नाम बोल दिए, बिजनेस समझा दिया, तो आधा दिमाग तो भी खराब हो जाता है। तो यार ये जो इन्फॉर्मेशन दी इसको याद नहीं करना आपको, क्लियर, इससे घबराना नहीं है। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते पढ़ते हम अपना कॉन्फिडेंस लूज करना चालू कर देते हैं, नहीं देखते आगे क्या पॉइंट आता है सर, जीएसटी रिलेटेड पॉइंट तो आएंगे आपके। एज अ पॉलिसी ऑल दी प्लेसेस ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी इन अ स्टेट आर रजिस्टर्ड अंडर वन रजिस्ट्रेशन इटसेल्फ। अच्छा, अगर किसी एक स्टेट में मोर देन वन प्लेस है तो सिंगल रजिस्ट्रेशन ले रखा है, मतलब एक स्टेट के अंदर मोर देन वन रजिस्ट्रेशन नहीं है, मतलब इंट्रा स्टेट विद इन द ब्रांच अगर ये ट्रांसफर करेगा तो सप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वो डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है। ओके ठीक सर,
Imported crude is used as input in the refinery and following major products are extracted after refining the process. Okay, after refining process. Okay. Products which are chargeable to GST which are named as Group A products. Products which are not chargeable to GST which are named as Group B products. Okay. ग्रुप बी में जिस पर जीएसटी लेवी नहीं होता वो कौन कौन से है, पेट्रोल है, डीजल है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ओके, जिन पर जीएसटी लेवी नहीं होता है। इधर जिन पर जीएसटी लगता है वो बेस ऑयल हो गया विच इज एन इनपुट फॉर ब्लेंडिंग लुब्रिकेंट्स, फर्नेस ऑयल हो गया, बिटुमेन हो गया, यूज फॉर रोड कंस्ट्रक्शन, एलपीजी डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल, ये सब जीएसटी से लेवीबल है। ओके, बेस ऑयल्स आर फर्दर सेंट टू ब्लेंडिंग प्लांट्स वेयर दे आर ब्लेंडेड विद द एडिटिव्स टू प्रोड्यूस लुब्रिकेंट्स। ओके, ब्लेंडिंग प्लांट में भेज देते हैं बेस ऑयल को बेटा, जिससे वो लुब्रिकेट बनाते हैं, सब लुब्रिकेट बनाएंगे सब। द कंपनी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड केरला फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। ओके, इन्होंने तमिलनाडु, महाराष्ट्र और केरला के लिए ये फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दी है, अपने को देखना है कि क्या इसका ट्रीटमेंट रहेगा। ओके सर, वैल्यू ऑफ सप्लाई वगैरह दिया है। ओके, एक बार टेबल के एंड में देखिए क्या इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है। अज्यूम दैट ऑल द ग्रुप ए प्रोडक्ट्स आर चार्जेबल टू जीएसटी एट 18% इंक्लूडिंग बहुत CGST एंड SGST इफ एनी एंड IGST अगर लगता है तो। द फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ ABC पेट्रोलियम लिमिटेड सिक्स योर प्रोफेशनल एडवाइस ऑन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके सर, अब इन्होंने आगे आपको 5 MCQ दिए बच्चों और ये केस पूरा दे दिया। ओके सर, देखते हैं पर्टिकुलर जो बॉक्स में दिए वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, देन विल लुक आउट फॉर द MCQs। ओके, वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस एंड ड्यूटीज ग्रुप बी प्रोडक्ट्स जिन पर जीएसटी लेवी नहीं होता है वो दे रखा है स्टेट वाइज, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और केरला का। वैल्यू ऑफ सप्लाई ग्रुप ए प्रोडक्ट्स बिफोर ऑल टैक्सेस और ड्यूटीज। ओके, बिफोर ऑल टैक्सेस और ड्यूटीज ग्रुप ए वाला जिन पे जीएसटी लगता है उन पे जीएसटी भी इंक्लूड नहीं किया फिगर में। एक्साइज ड्यूटी विच इज लेवेबल ऑन सप्लाई ऑफ ग्रुप बी प्रोडक्ट्स। ओके, वेट ऑन सप्लाई ऑफ ग्रुप बी प्रोडक्ट्स, ऊपर जो प्राइस थे वो इंक्लूसिव ऑफ एक्साइज वगैरह सारे टैक्सेस है और ये एक्साइज और वेट का अमाउंट अलग से दे दिया। टैक्स पेड ऑन इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज विच आर प्रोक्योर्ड एट द ब्लेंडिंग प्लांट। ओके, टैक्स पेड ऑन स्पेयर्स विच आर प्रोक्योर्ड एट द रिफाइनरी, स्पेयर्स आर बुक्ड इन द रेवेन्यू अकाउंट। और आपको पता है जो भी गुड्स परचेज करते हो वो इनपुट होते हैं अगर उनको कैपिटलाइज नहीं किया तो। अच्छा, किसी भी गुड्स को अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैपिटलाइज करते हो तो वो कैपिटल गुड्स है, उसके अलावा सारे गुड्स क्या है, इनपुट है, मतलब ये स्पेयर पर भी इनपुट कहलाएंगे। ओके, क्योंकि आपने इनको रेवेन्यू अकाउंट में बुक किया है बच्चों, इसलिए। टैक्स पेड ऑन इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज प्रोक्योर्ड एट मार्केटिंग कम एडमिन ऑफिस। ओके, टैक्स पेड कैपिटल असेट्स प्रोक्योर्ड एट दी ब्लेंडिंग प्लांट। ओके, कैपिटल गुड्स क्या बेटा ये, टैक्स पेड कैपिटल असेट्स परचेज प्रोक्योर्ड एट द रिफाइनरी। ओके, रिफाइनरी में आपने परचेज किया उसके लिए दे रखा है आपको। ओके सर, अब देखते हैं, एडवाइस मांग रहे हैं अपने से, प्रोफेशनल एडवाइस। क्वेश्चन नंबर 1, द वैल्यू ऑफ कंपनीज सप्लाई इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी इज 32,34,000 ग्रुप ए प्रोडक्ट्स एंड इन द स्टेट ऑफ गोवा इज 18,38,000 ग्रुप ए एंड ग्रुप बी प्रोडक्ट्स। ओके, यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी में ग्रुप ए के प्रोडक्ट ही बेचता है, 32,34,000 उसका टर्नओवर है। ओके, एंड गोवा के अंदर इसने बेचा है 18,38,000 का ग्रुप ए हो या ग्रुप बी हो, एल्कोल सर पेट्रोल वगैरह सब कुछ बेचा इसने, गोवा का नाम लिया इसलिए एल्कोल याद आया, पर हाँ इग्नोर करें इस बात को। फॉर द ईयर एंडिंग मार्च, ओके, जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज, ओके सर इनका पॉइंट है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर बोथ पुडुचेरी एंड गोवा। अरे भाई, फिर बोलता है नॉट रिक्वायर्ड फॉर गोवा बट रिक्वायर्ड फॉर पुडुचेरी। अरे यार, आपको पता है अगर किसी भी एसएससी का एग्रीगेट टर्नओवर इन अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीड करता है 20 लाख रुपए तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, क्लियर। और अगर एक्सक्लूसिवली गुड्स ही बेचता है तो सर 40 लाख का लिमिट दे रखा है। अब सर यहाँ पे तो वैसे भी 40 लाख हो या 20 लाख की लिमिट हो, कुछ स्टेट का एक्सेप्शन दे रखा है 40 लाख के लिए, पर यहाँ पे तो एनीवेज गोवा स्टेट का 18,38,000 है, पुडुचेरी का है 32,34,000, इन दोनों को क्लब करेंगे तो 40 लाख तो क्रॉस हो ही गया। और एनीवेज अगर आपकी एक भी ब्रांच लायबल टू रजिस्ट्रेशन होती है, ऑल प्लेसेस ऑफ बिजनेस आर लायबल टू रजिस्टर, क्लियर। स्टेट वाइज नहीं होता है, एग्रीगेट टर्नओवर इज टू बी चेक्ड ऑल इंडिया बेसिस पर, क्लियर, पैन इंडिया बेस पे। ओके, GST रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड, सी पॉइंट देखिए, रिक्वायर्ड फॉर बोथ पुडुचेरी एंड गोवा, परफेक्ट, नॉट रिक्वायर्ड फॉर पुडुचेरी बट रिक्वायर्ड फॉर गोवा, सो आंसर नंबर सी इज करेक्ट। मतलब आपने देखा हो तो लास्ट पेज पे पूरा हमने जब क्वेश्चन पढ़ा उसका तो कोई रिलेवेंस इस पॉइंट में आया ही नहीं, MCQ नंबर 1 तो केवल क्वेश्चन से ही सोल्व हो गया बेटा इसी MCQ से। तो सरकार
सी इज द करेक्ट आंसर रिक्वायर्ड फॉर बोथ पुडुचेरी एंड गोवा. ओके ठीक है मालिक. देन द एलिजिबल आई टी सी अवेलेबल एट मार्केटिंग कम एडमिन ऑफिस लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र फॉर द मंथ ऑफ जनवरी इज द एलिजिबल आई टी सी अवेलेबल एट मार्केटिंग कम एडमिन ऑफिस लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. केवल महाराष्ट्र का पूछा है इसने. ओके फॉर द मंथ ऑफ जनवरी इज, तो अपने को दिखाना है कि कितना आपका आई टी सी एलिजिबल है. द एलिजिबल आई टी सी अवेलेबल एट मार्केटिंग कम एडमिन ऑफिस लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. आइए क्वेश्चन में जो टेबल में इन्फॉर्मेशन दी थी महाराष्ट्र के लिए देखना अपने को. सर महाराष्ट्र के लिए द एलिजिबल आई टी सी एट मार्केटिंग कम एडमिन ऑफिस. ओके ओके सो हम बात कर रहे थे मार्केटिंग कम एडमिन ऑफिस जो महाराष्ट्र में लोकेटेड है वहां पे जो आई टी सी आपने लिया है उसमें से एलिजिबल आई टी सी कितना है. बच्चों देखो ध्यान से, आप फर्स्ट पेज पे आगे आइए. महाराष्ट्र महाराष्ट्र ब्रांच के लिए जो आपने इनपुट और इनपुट सर्विसेज पे जो टैक्स पे किया है वो दिया है. देखो ध्यान से, टैक्स पेड ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज प्रोक्योर्ड एट द मार्केटिंग कम एडमिन ऑफिस 3000 रुपी, क्योंकि फिगर्स आर इन 1000, तो 3000 रुपए. सो 3000 यू हैव अवेल्ड आई टी सी सर, जो आपने इनपुट इनपुट सर्विस पे टैक्स पे किया है. ओके बच्चों, नाउ वी नीड टू डिटरमाइन कि इसमें से एलिजिबल आई टी सी कितना है. अच्छा, एलिजिबल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा सर आपको, सिंस जनवरी मंथ का डाटा दे रखा है आपको, ये सारा जो फिगर दे रखा है कैलकुलेशन दे रखी है जनवरी मंथ की है. इसने पूछा है एलिजिबल आई टी सी कितना होगा जनवरी मंथ के लिए. सो जनवरी 2020 के लिए आपने टोटल जो जीएसटी पे किया वो है अमाउंट रुपीज 3000 इज द अमाउंट. 3000 रुपए आपने परचेज पे टैक्स पे किया है. ओके सर, अब आपको ये देखना है कि एग्जिम सप्लाई कितना है और टोटल सप्लाई कितना है. याद आया बट आपको, प्रोपोर्शनेट रूल नंबर 42 लगेगा क्योंकि ये इनपुट और इनपुट सर्विस की बात कर रहा है. तो ऐसे केस में रूल नंबर 42 लगाएंगे और रूल नंबर 42 बोलता है क्या कि जो आपने आईटीसी आपने जो टैक्स पे किया है वो गया 3000 रुपए फॉर एग्जांपल. अब उसमें से कितना आपको रिवर्स करना है वो लेस कर दो, रिमेनिंग अमाउंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, एलिजिबल आईटीसी. अच्छा रिवर्स कितना करना होता है बेटा, याद करो रूल नंबर 42. देखो बच्चों ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर आपको कोई एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर की बात करेंगे. सो यहां पर रूल नंबर 42 के अंदर सर रिवर्सल कैसे होता है, एग्जिम टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर. क्लियर? तो सर रुपीज 3000 जो आपका टैक्स आपने पे किया इनपुट इनपुट सर्विस मल्टीप्लाई करेंगे ई अपॉन एफ. याद है बट आपको, एग्जिम टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर. अच्छा एग्जिम टर्नओवर में क्या आएगा सर, ध्यान देना, अगर कोई सप्लाई नॉन टैक्सेबल सप्लाई है तो नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी एग्जिम सप्लाई होती है सर एज पर जीएसटी एक्ट. क्लियर? तो सर ध्यान दो बच्चों, आपका एग्जिम सप्लाई मतलब ग्रुप बी वाला जो प्रोडक्ट है उसका टर्नओवर महाराष्ट्र का कितना है, 3400. बच्चों ध्यान से देखना, 3400 इज द टोटल टर्न, 3400 में लिख रहा हूं फिगर्स इन 1000. ओके ये क्या है, ये ग्रुप बी वाले प्रोडक्ट का सप्लाई है, बट सप्लाई ध्यान से पढ़ना, वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस एंड ड्यूटीज वो है 3400 महाराष्ट्र ब्रांच का. और सॉरी फॉर द पर्पज ऑफ रूल नंबर 42 एंड रूल नंबर 43 आपको पता है सर ई अपॉन एफ करते वक्त वैल्यू ऑफ एग्जिम सप्लाई, ध्यान देना बेटा सर जो 3400 है इसमें से एक्सक्लूड करेंगे क्या, वेट, सेंट्रल एक्साइज, स्टेट एक्साइज, क्लियर, और सीएसटी अगर आपका इन टैक्स इन चार इन पर पे हुआ हुआ है तो उसको एक्सक्लूड करते हैं, सिंस 3400 इज इंक्लूसिव ऑफ वेट एंड एक्साइज. तो और देखो आपको पॉइंट नंबर 3 बॉक्स का उसमें दे रखा है कॉलम आपको रो नंबर 3 में क्या, एक्साइज ड्यूटी लेवीबल ऑन ग्रुप बी प्रोडक्ट कितना है 1000. तो क्या करेंगे 3400 में से 1000 लेस करेंगे, वो हो गया एक्साइज लेस. देन वेट पेड ऑन ग्रुप बी प्रोडक्ट कितना है 600 हम लेस करेंगे. बच्चों ये जो अमाउंट आएगा 3400 माइनस 1600 ये आ गया 1800. सर ध्यान देना, फॉर द पर्पज ऑफ रूल नंबर 42 और 43 एग्जाम सप्लाई में 1800 ऐड होगा. तो एक तरह से वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई हो गया क्या 1800. वैसे देखा जाए आपको पता है एज पर सेक्शन नंबर 15 वैल्यूएशन की बात करें हम, सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लोज ए बोलता है क्या, सारे टैक्सेस अदर देन जीएसटी वाले टैक्सेस वैल्यू का पार्ट बनता है, पर फॉर द पर्पस ऑफ रूल नंबर 42 एंड रूल नंबर 43 वेट सीएसटी एक्साइज और स्टेट एक्साइज सर टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करेंगे और एग्जिम टर्नओवर में भी इंक्लूड नहीं करेंगे. इसलिए सर रूल नंबर 42 43 के लिए एग्जिम टर्नओवर हो गया कितना 1800. ये मैं ई अपॉन एफ जो हम कर रहे हैं उसमें 1800 मैंने लिख दिया एग्जिम टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर. तो टोटल टर्नओवर कितना हो गया बेटा, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ ग्रुप ए प्रोडक्ट बिफोर ऑल टैक्सेस, और सिंस वैल्यू में जीएसटी इंक्लूड नहीं होता है तो बिफोर टैक्स दे रखा है फिगर, कोई दिक्कत नहीं है, 200 ऐड कर देंगे. तो सर 1800 प्लस 200 कितना हो गया 2000. तो माहौल सर कैसे होगा आंसर इसका,
कि 3000 रुपए आपने टोटल टैक्स पे किया, क्लियर, इसमें से 1800 हो गया क्या एग्जेम्प्ट, डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर 2000, मतलब सर 2700 आपको आईटीसी नहीं मिलना चाहिए, ये इन एलिजिबल हो गया। तो सर आउट ऑफ 3000, आउट ऑफ 3000 2700 आपका इन एलिजिबल आईटीसी है, तो नेट कितना हो गया मालिक, 300 इज द एलिजिबल आईटीसी, और आपका आंसर आएगा आंसर नंबर बी, क्लियर डन। बच्चों अगर आपने देखा हो तो केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज कोई नई चीज नहीं है, बस जो आपने बड़े क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं, बड़े रूल्स पढ़े हुए हैं, उनको सर इन्होंने एमसीक्यू फॉर्म में पूछ लिया है, क्लियर। तो बहुत सारे बच्चे यहां पे भी एक टेंशन में थे, सर इस बार हम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो आएंगे उसका कैसे सोल्व करेंगे, कुछ नहीं करना है, जो प्रोविजंस आपको आते हैं उसी को इन्होंने एमसीक्यू फॉर्म में पूछा है, नथिंग एल्स, और इजी है आपके लिए क्योंकि डायरेक्ट आंसर आपको लिखना है इसके अंदर, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना है, टाइम नहीं लगता बहुत ज्यादा इसके अंदर, अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर है तो। आइए क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द एमसीक्यू, द एलिजिबल आईटीसी इन रेस्पेक्ट ऑफ कैपिटल एसेट्स प्रोक्योर्ड इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। सर कैपिटल एसेट तमिलनाडु के केस में देखिए, सर तमिलनाडु के केस में आपने जो टैक्स पे किया कैपिटल गुड्स पे वो देखिए, सर देखिए सर कैपिटल गुड्स की रिगार्डिंग लास्ट दो पॉइंट है, सेकंड लास्ट पॉइंट बोलता है टैक्स पेड ऑन कैपिटल एसेट्स प्रोक्योर्ड एट द ब्लेंडिंग प्लांट, तमिलनाडु में तो वैसे भी जीरो है, हमको तमिलनाडु को देखना है, तो सेकंड पॉइंट पे आइए, लास्ट पॉइंट जो है इस बॉक्स का, टैक्स पेड ऑन कैपिटल एसेट्स प्रोक्योर्ड एट द रिफाइनरी 12,000 रुपी। सर ध्यान देना बेटा, आपने कैपिटल गुड्स पे जो टैक्स पे किया है, जीएसटी पे किया है, वो है रुपीज 12,000। ओके सर 12,000 रुपये आपने जीएसटी पे किया है। ओके सर नाउ ये तमिलनाडु वाले की बात करें हम। ओके सर ये जो टैक्स पे किया आप क्रेडिट अवेल करेंगे, फिर आपको इसमें से एलिजिबल कितना मिलने वाला क्रेडिट, तो अगेन क्या करेंगे हम, आपको बताया कैपिटल गुड्स के केस में क्या होता है, सर जो आपने आईटीसी लिया, जो आपने टैक्स पे किया वो पूरा एक बार अवेल करते हैं, फिर ये तो आपने 12,000 पूरा अवेल कर लिया, देन 12,000 को क्या करेंगे डिवाइड बाय 60 मंथ करेंगे सर, क्योंकि ये कॉमन काम आ रहा है। ओके सर कॉमन कैसे, क्योंकि इसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो ग्रुप बी में है वो भी प्रोड्यूस हो रहे हैं और ग्रुप ए वाले प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस हो रहे बेटा, तो सर अगर कॉमन काम आता तो क्या करते हम, 12,000 डिवाइड बाय 60 कितना आ गया बेटा 200, ये 200 क्या हो गया 60 मंथ तक स्ट्रेट लाइन मेथड पे सर क्या हो जाएगा, ये स्प्रेड हो जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ 60 मंथ। नाउ सर ई अपॉन एफ एग्जाम टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर करना पड़ेगा और जो अमाउंट आएगा वो हमको रिवर्स करना पड़ेगा, तो सर ये 200 आ गया किसके जनवरी मंथ के लिए, कौन से महीने के लिए बेटा, जनवरी मंथ के लिए एलोकेट हो गया, ये कॉमन आईटीसी हो गया सर जनवरी मंथ का। ओके अब 200 में से कितना रिवर्सिबल है एग्जाम टर्नओवर, अगेन तमिलनाडु को देखिए बेटा, अब तमिलनाडु का एग्जाम टर्नओवर निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 1650 दे रखा है ग्रुप बी वाले प्रोडक्ट का टर्नओवर जो नॉट चार्जेबल टू जीएसटी, इसलिए उसको एग्जाम बोलते हैं बेटा, पर उसमें से लेस करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ रूल नंबर 42-43 एक्साइज और वेट का अमाउंट लेस कर दीजिए बेटा, 1650 माइनस 500 माइनस 250 तो आपका आ गया कितना 900। अच्छा 900 क्या है बेटा, एग्जाम टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर, अच्छा टैक्सेबल गुड्स जो ग्रुप ए वाले है वो है टर्नओवर 100 बेटा, तो 900 प्लस 100 कितना हो गया बच्चों 1000। अरे माहौल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्लियर डन सर, तो ये आ गया कितना सर एक तरह से 180 रुपी बेटा। अब 180 क्या है, रिवर्सिबल है, मतलब 180 क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। अच्छा अब आपने क्या किया होगा, 12,000 आईटीसी आपने अवेल किया और 12,000 आईटीसी में से 180 आपको नहीं मिलेगा, तो 12,000 माइनस 180 कर दीजिए, 11820 इज द आंसर, देखिए ऑप्शन कौन सा सही है, आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है डी 11820, सो डी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, क्लियर। बच्चों आपने अगर नोट किया हो तो यहां पे मेन बात जो लास्ट दोनों क्वेश्चन में गलती जो बच्चों से होती है वो ये होती है कि वेट एक्साइज का अमाउंट जो आपको एक्सक्लूड करना था टर्नओवर में से वो कई सारे बच्चे भूल जाते हैं। बच्चों कई बार ये छोटे छोटे पॉइंट भी बड़े पॉइंट बन जाते हैं, इसलिए कोई भी रूल या कोई भी प्रोविजन हम पढ़ते हैं तो एक एक पॉइंट का माइन्यूटली ध्यान रखना चाहिए, किसी पॉइंट को हम हल्के में नहीं ले सकते, क्लियर माहौल सर। आइए क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ द एमसीक्यू, लुब्रिकेंट वैल्यूड एट रुपीज 10,000 हैज बीन स्टॉक ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ब्लेंडिंग प्लांट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ओके लुब्रिकेंट वैल्यूड एट रुपीज 10,000 हैज बीन स्टॉक ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ब्लेंडिंग प्लांट located in the state of Tamil Nadu to the refinery located in the same state in the month of January, the GST COR
पेबल ऑन सच ट्रांजेक्शन इज। बच्चों सेम स्टेटमेंट ट्रांसफर किया और ऊपर इन्फॉर्मेशन दी थी इसने कि हमारे जितने भी प्लेसेस ऑफ बिजनेस है इन द सेम स्टेट उसके लिए हमने सिंगल रजिस्ट्रेशन ले रखा है। और मैं आपसे बात ऑलरेडी कर चुका हूं, जब सिंगल रजिस्ट्रेशन होता है विद इन द स्टेट तो आप एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच विद इन द सेम स्टेट अगर भेजते हो तो सिंस दोनों का रजिस्ट्रेशन नंबर एक है वो डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है। क्लियर? सिंपल ब्रांच ट्रांसफर हुआ है विद इन द स्टेट जिनके दो अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो ऐसे केस में वो सप्लाई नहीं होता है क्योंकि ये डिस्टिंक्ट पर्सन के स्कोप में कवर नहीं होता है और सप्लाई के स्कोप में कवर नहीं होगा तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा। तो ऐसे केस में नो जीएसटी इज पेबल, आंसर इज निल एज द ट्रांजेक्शन इज नॉट अ सप्लाई। सो क्लोज नंबर जो इसका आंसर है ए ही करेक्ट हो गया, निल एज द ट्रांजेक्शन इज नॉट अ सप्लाई। देखो बेटा ये एग्जम्प्ट सप्लाई नहीं है, देखिए देखो बी 900 सी 1800 बात खत्म, आंसर सही नहीं है। डी में क्या लिखा है, निल एज द सप्लाई एज सच सप्लाई इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। बेटा एग्जम्प्ट करने की बात नहीं है, सप्लाई ही नहीं है क्योंकि आपने ब्रांच ट्रांसफर किया है विदाउट कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरेशन शेड्यूल वन के अंदर जो ट्रांजेक्शन कवर है उसमें लिखा है डिस्टिंक्ट पर्सन को सप्लाई किया तो ही सप्लाई के स्कोप में आएगा, सिंस सप्लाई ही नहीं है इसलिए लेवी नहीं होगा और इसलिए क्लोज नंबर ए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बेटा आइए पॉइंट नंबर 5, ड्यू टू सडन फायर इन द स्टोर रूम ऑफ द रिफाइनरी। आइए हाँ, ड्यू टू सडन फायर इन द स्टोर रूम ऑफ द रिफाइनरी लोकेटेड इन महाराष्ट्र ऑन January 28th द एंटायर क्वांटिटी ऑफ स्पेयर्स प्रोक्योर्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी गेट्स डिस्ट्रॉयड। ओ हो, आग लग गई। सर व्हाट एक्शन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम एबीसी पेट्रोलियम लिमिटेड। सर क्या होगा, और आपको पता है अगर कोई गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाता है, कोई भी इनपुट डिस्ट्रॉय हो गया तो सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज नंबर एच यदा है ब्लॉक रेड, तो ऐसे केस में हम आईटीसी अवेल नहीं करेंगे उसका। और सर जनवरी के जनवरी में ही आपका लॉस हो गया बेटा तो अवेल करने की बात आएगी नहीं। क्लियर? और अवेल ही नहीं करोगे तो रिवर्सल की बात नहीं आती बेटा। देखिए सर आंसर कौन सा सही है देखते हैं। नो एक्शन इज रिक्वायर्ड ऑन द पार्ट ऑफ एबीसी पेट्रोलियम लिमिटेड अंडर जीएसटी लॉ। अरे भाई एक्शन क्यों लेना पड़ेगा, आपको आईटीसी लेना ही नहीं सर इसका, तो ए गलत आंसर है। बी एबीसी पेट्रोलियम लिमिटेड शुड रिपोर्ट टू जीएसटी ज्यूरिसडिक्शनल डिपार्टमेंट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ द लॉस ऑफ इनपुट ऑन अकाउंट ऑफ फायर। ऐसा कोई रिक्वायरमेंट कहीं हमने पढ़ा नहीं पूरे एक्ट में, कहीं रूल में कहीं लिखा नहीं सर, तो ये भी गलत आंसर। एबीसी पेट्रोलियम लिमिटेड शुड नॉट अवेल आईटीसी ऑफ द टैक्स पेड ऑन द स्पेयर्स। करेक्ट जवाब सरकार, एबीसी पेट्रोलियम लिमिटेड शुड नॉट अवेल द आईटीसी ऑफ टैक्स पेड ऑन स्पेयर्स क्योंकि ये ब्लॉक क्रेडिट में कवर है, हम आईटीसी अवेल नहीं करेंगे। डी क्या लिखा है, एबीसी पेट्रोलियम लिमिटेड शुड अवेल आईटीसी इन रिवर्स सेम। देखो अवेल करके रिवर्स करने की बात क्या बात है, जब आप ऑलरेडी अवेल कर चुके हो और फिर किसी ऐसे इवेंट की वजह से आपको रिवर्सल करना पड़ रहा है, जनवरी मंथ में परचेज किया जनवरी में लॉस हो गया तो अवेल करने की बात तो आती नहीं क्योंकि आप रिटर्न जो फाइल करेंगे वो फरवरी में फाइल करेंगे इसका बेटा, तो फरवरी में रिटर्न फाइल करते वक्त इसका आईटीसी अवेल ही नहीं करेंगे। तो सर बच्चों को कन्फ्यूजन सी और डी में हो सकता है, तो आंसर सी सही है क्योंकि सेम मंथ में अगर लॉस हुआ है तो आप अवेल ही नहीं करेंगे, रिवर्सल की बात नहीं आएगी बेटा, सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? डन। देखिए सर क्वेश्चन नंबर 1 पूरा खत्म हो गया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन था, तो आपने देखा हो तो जब फर्स्ट पेज हमने पढ़ा था तो पढ़ते पढ़ते बड़ा डर लग रहा था कि अरे बाबा इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन क्या आ गया, पर जब एमसीक्यू करने लगे हम तो हमको टाइम नहीं लगा बेटा। तो ध्यान देना बेटा, जब क्वेश्चन की लैंग्वेज पेट्रोलियम इंडस्ट्री की आ जाए या किसी भी इंडस्ट्री की आ जाए डरना नहीं बेटा। एमसीक्यू बनने में तो सर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बनने में तो एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, एक होटल है सर मान लो, अब कोई भी केस स्टडी दे देंगे सर एक होटल है, अब होटल क्या करता है, रेस्टोरेंट सर्विस भी प्रोवाइड करता है और सर होटल अकोमोडेशन सर्विस भी प्रोवाइड करता है। अब आपको क्या कर देंगे, होटल अकोमोडेशन सर्विस जो है वो टैक्सेबल सर्विस है और रेस्टोरेंट सर्विस में बोल देंगे कि सर यहाँ पे रेट ऑफ टैक्स 5% है जहाँ पे कोई आईटीसी नहीं मिलता है, तो जहाँ आईटीसी नहीं मिलता उसको एग्जम्प्ट सप्लाई बोलते बेटा। या कोई भी केस बना देंगे, एक फैक्ट्री का एग्जाम्पल दे देंगे, एक सप्लायर जैसे मेरा एग्जाम्पल ले लेंगे कि मैं क्या करता हूँ कुछ सर्विस देता हूँ जो टैक्सेबल है कुछ क्या है एग्जेम्प्ट है, सर आईटीसी का क्या होगा, रजिस्ट्रेशन करवाना कि नहीं करवाना है, एक ब्रांच वहाँ पर एक ब्रांच यहाँ पर है, आपस में इन्होंने ट्रांजेक्शन किया सप्लाई होगा कि नहीं होगा, इस तरह के देर में भी एन नंबर ऑफ केसेज, तो केस स्टडी देख के डरना नहीं बेटा। क्लियर? अगर आपके फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है तो कभी दिक्कत नहीं आती है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का, अगेन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। दमदम इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड वाओ DEPL सूरत, अ सप्लायर ऑफ हैवी मशीनरी सप्लाइड अ मशीन टू गुलाटी मैन्युफैक्चरर्स फ्रॉम इट्स गोडाउन लोकेटेड इन मुंबई महाराष्ट्र। ओके, मुंबई महाराष्ट्र से सप्लाई किया है इसने किसको, गुलाटी मैन्युफैक्चरर को। ओके अच्छा, ऑन 1st January एट अ प्राइस ऑफ ₹64 lakh एक्सक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। ओके देखो यार, इसने क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन दी है कि DEPL सूरत में रजिस्टर्ड है, सूरत का सप्लायर है, पर इसने
जो मशीन सप्लाई करी वो कहाँ से सप्लाई करी है, मुंबई की गोडाउन सप्लाई करी है, तो हमें सूरत से कोई मतलब नहीं है, मुंबई उसका रजिस्टर्ड प्लेस होगा, डेफिनेट सी बात है सर। तो सर ऐसे केस में मुंबई से सप्लाई करी हम तो ये मानते हैं साहब, गुलाटी को सप्लाई करी, अब गुलाटी कहाँ का देखते बेटा, ये डॉक्टर गुलाटी नहीं है, ओए कपिल शर्मा सर। ओके 64 लेग में सप्लाई किया है January 1st को। गुलाटी मैन्युफैक्चरर हैज इट्स कॉर्पोरेट ऑफिस इन न्यू दिल्ली, हाउएवर द मशीनरी वॉज इंस्टॉल्ड एट इट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लोकेटेड इन द गुरुग्राम हरियाणा, फॉर विच इंस्टॉलेशन एंड कमिशनिंग चार्जेस ऑफ ₹4,80,000। देखो बेटा इंस्टॉल क्या किया है, हरियाणा गुरुग्राम में, और आपको पता है जहाँ भी मशीन इंस्टॉल करते हैं तो जहाँ इंस्टॉल किया है वही प्लेस ऑफ सप्लाई होता है, तो हमारे लिए प्लेस ऑफ सप्लाई अगर होगा तो गुरुग्राम हरियाणा होगा। देखते आगे क्या पूछा है इसने, अब इसने क्या किया है, कमिश्नरिंग चार्जेस ऑफ ₹4,80,000 और लिया है, हैंडलिंग एंड लोडिंग चार्जेस ऑफ ₹160 और लिया है, और चार्ज बाय DEPL एंड फॉर एवरी मशीनरी सप्लाइड DEPL रिसीव्स अ ग्रांट ऑफ ₹3,20,000 फ्रॉम इट्स होल्डिंग कंपनी धर्म लिमिटेड। ओके मेरे को लग रहा सर ये वैल्यूएशन का क्वेश्चन है सर, क्योंकि 64 लाख लिया है प्लस एडिशनली कमिशनिंग चार्जेस लोडिंग चार्जेस वगैरह लिए इसने, ग्रांट रिसीव हो रहा था, सब वैल्यू का पार्ट बनता है, आपको पता है बेटा। ओके सर, ओके सर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मशीन टू कस्टमर्स प्रीमाइसेस इज अरेंज्ड बाय DEPL थ्रू अ थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर GTA गुड्स एंड एजेंसी। गुलाटी मैन्युफैक्चरर्स एंटर्ड इनटू अ सेपरेट सर्विस कॉन्ट्रैक्ट विद द GTA एंड पेड फ्रेट ऑफ ₹50,000 डायरेक्टली टू इट। बेटा DEPL ने क्या किया है, केवल ट्रांसपोर्टेशन अरेंज किया है, तो एज अ प्योर एजेंट उसने काम किया, और सेकेंड थिंग गुलाटी जो कस्टमर है उसने डायरेक्ट GTA से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया सर्विस एग्रीमेंट का, और डायरेक्टली उसने ₹50,000 उसको पे कर दिया, मतलब ट्रांसपोर्टेशन हमारे रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था। ओके सर ये वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा कुल मिला के, आइए मालिक समझे मेरी बात बेटा, क्योंकि इसने DEPL ने केवल क्या किया, ट्रांसपोर्ट अरेंज किया है, और डायरेक्ट गुलाटी ने ही एग्रीमेंट किया है किसे, GTA से सर्विस एग्रीमेंट, और वो ही क्या करेगा ट्रांसपोर्ट करेगा, और डायरेक्टली फीस भी उसको दे दिया, वी वर नॉट रेस्पॉन्सिबल टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स। ओके ओके साहब, DEPL ऑफर्ड अ कैश डिस्काउंट ऑफ ₹2% कैश डिस्काउंट ऑफ 2% ऑन द प्राइस ऑफ द मशीनरी एट द टाइम ऑफ सप्लाई, सिंस गुलाटी मैन्युफैक्चरर एग्रीड टू मेक द पेमेंट विद इन 15 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ द मशीनरी एट इट्स प्रीमाइसेस। ओके इस वाला जब मशीन रिसीव हो जाएगी उसके 15 दिन में हम आपको पेमेंट कर देंगे, आप हमको 2% कैश डिस्काउंट दो, उसने दे दिया साहब, जब बिल इशू किया एट द टाइम ऑफ सप्लाई इटसेल्फ तब बिल पे रिकॉर्ड कर दिया 2% डिस्काउंट। ओके हाउएवर इट वाज एग्रीड दैट इन केस गुलाटी मैन्युफैक्चरर्स फेल्ड टू मेक पेमेंट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, ओके अगर ये फेल हो जाता 15 दिन में पे करने के लिए, तो DEPL वुड रिकवर द डिस्काउंट गिवन, जो डिस्काउंट दिया है वो वापस लेंगे, एंड चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ ऑन द टोटल अमाउंट ड्यू इंक्लूडिंग डिस्काउंट रिकवर्ड, डिस्काउंट का भी इंटरेस्ट लेगा क्योंकि डिस्काउंट भी रिकवर हो रहा है ना बेटा। ओके फ्रॉम गुलाटी मैन्युफैक्चरर टूवर्ड मशीनरी सप्लाइड फ्रॉम द डेट ऑफ मेकिंग द सप्लाई 1 जनवरी टिल द डेट ऑफ पेमेंट, हाउएवर नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन टैक्स ड्यूज। ओके टैक्स पे इंटरेस्ट नहीं चार्ज करेंगे, केवल वैल्यू पे हम चार्ज करेंगे साहब, इंक्लूडिंग डिस्काउंट रिकवर्ड। ओके सर क्वेश्चन याद आ रहा है क्या, अरे माहौल ये सेम क्वेश्चन बुक में दे रखा है बेटा, ये सेम क्वेश्चन RTP ने पहले एक सर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछा हुआ है, बस इसको MCQ फॉर्म में पूछ लिया उन्होंने, क्लियर सेम क्वेश्चन आपने सोल्व किया है बुक के अंदर ऑलरेडी है एक वाला क्वेश्चन बेटा। सर गुलाटी मैन्युफैक्चरर्स पेड द कंसिडरेशन टू द फॉर द मशीनरी ऑन 31st मार्च, 1 जनवरी को मशीन सप्लाई किया, 15 दिन में पे नहीं किया, 31st मार्च को इसने पे किया, सिंस द पेमेंट वॉज मेड आफ्टर द स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ 15 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ द मशीनरी, डिस्काउंट गिवन वॉज रिकवर्ड फ्रॉम इट एंड इंटरेस्ट वॉज ऑल्सो अकॉर्डिंगली चार्ज। ओके हाउएवर गुलाटी मैन्युफैक्चरर रिफ्यूज टू पे टैक्स ऑन इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिकवर्ड, बच्चा इसने जो डिस्काउंट हमने रिकवरी किया या इंटरेस्ट जो हमने इससे रिकवरी किया उस पर टैक्स अलग से नहीं दिया, तो सर उसको क्या मान लेंगे, इंक्लूसिव ऑफ GST, इंटरेस्ट और डिस्काउंट के अमाउंट को हम इंक्लूसिव GST मानेंगे बेटा, जो भी रिकवरी किया इसने बाद में। अज्यूम द रेट ऑफ टैक्सेस टू बी एज अंडर, मशीन का रेट दे रखा है, ट्रांसपोर्टेशन का रेट दे रखा है, अदर सर्विसेज इन्वॉल्व इन अदर सप्लाई का रेट ऑफ टैक्स दे रखा है। ओके इन व्यू ऑफ द अबव इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यस नाउ वी आर रेडी, क्वेश्चन नंबर 1, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द मशीनरी सप्लाइड बाय DEPL इज, सर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जहां मशीन इंस्टॉल करी, कहां इंस्टॉल करी, गुरुग्राम हरियाणा में, एंड द नेचर ऑफ सप्लाई इज, सर सिंस कहां से सप्लाई करी बेटा, मूवमेंट कहां से शुरू हुआ है, सर मुंबई से कहां गया है, हरियाणा गया है, तो सर डेफिनेट सी बात है सप्लायर का लोकेशन मुंबई, प्लेस ऑफ सप्लाई हरियाणा, इंटरस्टेट सप्लाई हो गया,
सर इट इज इंटरस्टेट सप्लाई, तो सर दो आंसर आएंगे, फर्स्ट हो गया प्लेस ऑफ सप्लाई इज गुरुग्राम हरियाणा और इट इज द नेचर ऑफ सप्लाई इज इंटरस्टेट। देखिए हरियाणा इंटरस्टेट बी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर बी इज द करेक्ट आंसर, हरियाणा इंटरस्टेट सप्लाई। ओके सर सेकंड, द जीएसटी लायबिलिटी ऑफ पीबीएल फॉर द मंथ ऑफ जनवरी इज अप्रॉक्स। ओके जनवरी मंथ का लायबिलिटी कितना है बेटा, अब अपने को अगेन वैल्यूएशन का कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि वैल्यू क्या होगा, रफ कैलकुलेशन करिए कोई दिक्कत नहीं सर। आइए हमें कहां पर क्वेश्चन नंबर टू के सेकंड पॉइंट पर आरटीपी जीएसटी लायबिलिटी ऑफ डीपीएल फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, तो उसके लिए वैल्यूएशन निकालना पड़ेगा। सबसे पहला वैल्यू जो प्राइस था 64 लाख, इसके अलावा उसने क्या चार्ज किया बेटा, कमिश्निंग चार्जेस इंस्टॉलेशन एंड कमिश्निंग चार्जेस फॉर 80,000 और हैंडलिंग लोडिंग चार्जेस लिए 160। बेटा सर मशीनरी सप्लाई किया साथ में इंस्टॉलेशन चार्जेस अगर लिए या लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस लिए हैंडलिंग चार्ज लिया तो इट्स अ पार्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई और सर वैल्यू का पार्ट बनेगा बेटा ये, भले इसने अलग से चार्ज किया फिर भी वैल्यू का पार्ट बनेगा क्योंकि एनी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस विच आर इंकर्ड बाय द सप्लायर एंड रिकवर्ड फ्रॉम द कस्टमर विल ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू सप्लाई एज पर सेक्शन 15 सबसेक्शन 2। हैंडलिंग चार्जेस कितना बेटा 1,60,000, ये भी ऐड कर दिया। एंड ध्यान रखना आपको फॉर एवरी मशीन सप्लाइड बाय डीपीएल डीपीएल रिसीव अ ग्रांट ऑफ ₹3,20,000 फ्रॉम इट्स होल्डिंग कंपनी धर्म लिमिटेड। और आपको पता है एनी ग्रांट और एनी सब्सिडी रिसीव्ड विच इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द प्राइस विल ऑल्सो बी एडेड इन द वैल्यू ऑफ द गुड्स, क्लियर। और आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अगर सब्सिडी देता है तो उसको इंक्लूड नहीं करते, ये तो किसने दिया, होल्डिंग कंपनी ने दिया है तो ऐड करेंगे। बच्चों पता है यहां एक गलती के चांस है, ध्यान देना, ये 3,20,000 जो है ये वैल्यू का पार्ट बनेगा, ये क्या है ग्रांट है। मैं यहां क्यों लिख रहा हूं थोड़ी देर बाद आपको समझ में आएगा, आप भी सर मिस्टेक एग्जाम में हो जाती है इसके लेके इसको ध्यान रखें बेटा। बहुत सारे बच्चों के मेरे मैसेज भी आया है सर ये अभी जो आंसर मैं देने वाला हूं ये तो सही हो जाएगा, इसका नेक्स्ट वाला आंसर में गलती होने वाली आपसे। ओके सर ओके वैल्यू का पार्ट बन जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा क्योंकि सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है डायरेक्ट कस्टमर ने जीटीए से, उसके लिए हम रेस्पॉन्सिबल नहीं थे, हमारी वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा, क्लियर। हमने 2% कैश डिस्काउंट दिया, प्राइस ऑफ द मशीन, अच्छा प्राइस ऑफ द मशीन को 64 लाख ही माना जाएगा सर, 64 लाख क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज में बोला प्राइस ऑफ द मशीन इज 64 लाख का 2% डिस्काउंट कितना होता है 1,28,000 इज द डिस्काउंट का अमाउंट। ओके ये लेस करेंगे, बस क्लियर डन, इसको लेस कर दीजिए बेटा क्योंकि जनवरी मंथ की इसने लायबिलिटी पूछी अपने से बेटा, तो जनवरी मंथ में 64 लाख प्लस, देखो बेटा इसने इंटरेस्ट और डिस्काउंट जो रिकवर किया वो तो मार्च में रिकवरी किया है तो मार्च की लायबिलिटी आएगी बेटा, जनवरी में तो हमने वैल्यू जो चार्ज की बिल में वही हम देखेंगे। 64 लाख प्लस 480 प्लस 160 फटाफट आप भी कैलकुलेशन करिए, प्लस 3,20,000 माइनस 128,000 आ गया कितना 72,32,000, ये टोटल वैल्यू आ गया। क्वेश्चन नंबर टू ने क्या पूछा, द जीएसटी लायबिलिटी ऑफ डीपीएल फॉर द मंथ ऑफ जनवरी इज, ओके 72,32,000 ये मानेंगे वैल्यू ऑफ मशीन है बेटा, और वैल्यू ऑफ मशीनरी पे रेट ऑफ टैक्स कितना है बेटा 12% क्योंकि इंटर स्टेट है तो 12% आईजीएसटी लगेगा बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे किससे 12% आंसर आएगा कितना 8,67,840 देखिए 8,67,840 बी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर दिस इज हाउ वैल्यूएशन टू बी डन। सर कहा ध्यान देना बेटा, अब इन्होंने एमसीक्यू फॉर्म में पूछ लिया, कोई फर्क पड़ा क्या, आपने जो वैल्यूएशन पढ़ा हुआ है जो क्वेश्चन आपने सोल्व किए उसी को एमसीक्यू फॉर्म में पूछ लिया, डरने की जरूरत नहीं बेटा, क्लियर डन। वर्किंग नोट अगर आप नहीं लिखते हो चलता है, एमसीक्यू में तो आपको डायरेक्ट सर ओएमआर शीट मिलेगी बेटा, कोई वर्किंग नोट लिखने की जरूरत नहीं, रफ में आप कैलकुलेशन करें कोई दिक्कत नहीं सर। आइए थर्ड क्वेश्चन क्या पूछता है, द जीएसटी लाइबिलिटी ऑफ डीपीएल फॉर द मंथ ऑफ मार्च इज, बच्चों मार्च मंथ की लाइबिलिटी देखनी है, यहां पता है गलती क्या होती है देखते हैं। अब मार्च मंथ के क्या होगी बेटा, जितना भी इंटरेस्ट होगा प्लस डिस्काउंट होगा वो उसने रिकवरी किया बेटा, हाँ है ना बच्चों 31 मार्च को उसने पे कर दिया था, अब इंटरेस्ट और डिस्काउंट जो रिकवरी किया है उसने साफ क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन दी है कि कस्टमर ने आपको इंटरेस्ट और डिस्काउंट पे अलग से टैक्स पे नहीं किया, टैक्स नहीं पे किया है, तो मतलब जो इंटरेस्ट और डिस्काउंट आप रिकवरी कर रहे हो ये माना जाएगा कि इट इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। अब आपने डिस्काउंट तो साहब कैलकुलेट किया हुआ है, डिस्काउंट का अमाउंट था आपका 1,28,000 बेटा, चलो मैं एक काम करता हूं यही पे लिखता हूं आपके लिए थोड़ा कंफर्ट जोन रहेगा, ध्यान देना बेटा डिस्काउंट का अमाउंट है 1,28,000 आपके लिए। ओके
सर ये रिकवरी किया प्लस इंटरेस्ट, यहां कैलकुलेशन थोड़ी सी गलती करते बच्चे, यहां पे इंटरेस्ट का रेट दे रखा है 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। अब फर्स्ट जनवरी को सप्लाई किया, 31 मार्च को उसने पे किया, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ का इंटरेस्ट हो गया सर। पर इंटरेस्ट किस अमाउंट पे सर? जितना अमाउंट रिकवरेबल है बेटा। अब अमाउंट रिकवरेबल कितना होगा? जितना अमाउंट ड्यू है कस्टमर से इंक्लूडिंग डिस्काउंट जो से हमने दिया था, वो डिस्काउंट भी हम रिकवर कर रहे हैं, उसको भी ऐड कर देना वापस वैल्यू में बेटा। तो वैल्यू जो थी उसमें डिस्काउंट ऐड कर देंगे। पर ध्यान देना बेटा, कस्टमर से आप कितना अमाउंट मांगते हो बच्चों? यहां पता है गलती क्या होती है, ये बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे यहां पे कि सर वैल्यू था 72,32,000, अब इसमें से अगर डिस्काउंट हटा दे तो एक काम करो 72,32,000 जो था इसमें ऐड कर देंगे 1,28,000, तो सर हम तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे किस पर, 73,60,000 रुपए बेटा। पर यहां गलती क्या कर रहे बच्चों? क्या पूरा 73,60,000 कस्टमर दे रहा है क्या? यहां घोर फरमाइए, ये जो ग्रांट का अमाउंट है 3,20,000, ये तो होल्डिंग कंपनी दे रही ना भाई, और होल्डिंग कंपनी देगी तो कस्टमर से तो हम 3,20,000 लेंगे नहीं सर, तो हम 3,20,000 पे क्या इंटरेस्ट लेंगे क्या कस्टमर से? नहीं। तो सर आपको क्या करना होगा, ये 73,60,000 जो है वो टोटल अमाउंट हो गया विदाउट डिस्काउंट। अब इसमें से 3,20,000 जो अमाउंट है ये तो ग्रांट का अमाउंट है जो होल्डिंग कंपनी दे रही है आपको, ये तो कस्टमर से आप लेंगे नहीं। तो सर यहां एक छोटा सा मिस्टेक होता है बेटा, क्या होता है, हम जल्दबाजी में होते हैं। और एक और बात, एमसीक्यू सोल्व कर रहे हैं तो एमसीक्यू में हम डिटेल्ड सॉल्यूशन करते नहीं बेटा, तो यहां गलती के चांस पूरे रहेंगे एग्जाम्स के अंदर, ध्यान रखिएगा बेटा। तो सर 73,60,000 में से 3,20,000 अगर लेस कर देंगे तो 70,40,000 अमाउंट आ गया जो कस्टमर से रिकवरेबल है इंक्लूडिंग डिस्काउंट का अमाउंट बेटा। अब सर ध्यान रखना 70,40,000 जो अमाउंट आप रिकवर करेंगे इस पे 1% पर मंथ फॉर 3 मंथ, मतलब 3% ब्याज हो गया बेटा, 3% इंटरेस्ट, तो इसका 3% हो गया कितना, 211,200। अब 211,200 इज द इंटरेस्ट का अमाउंट, 128,000 इज द डिस्काउंट का अमाउंट, इन दोनों को ऐड करेंगे तो अमाउंट आएगा 339,200। बच्चों ध्यान रखना ये टोटल अमाउंट आपने रिकवरी किया, पर उसने अलग से टैक्स नहीं दिया, सिंस क्वेश्चन ने खुद ने इन्फॉर्मेशन दे दी, तो 3,39,200 विल बी कंसिडर इज इंक्लूसिव जीएसटी। और जीएसटी रेट मशीन पे कितनी बेटा, जो मशीन की रेट होगी वो ये, क्योंकि मशीन, क्योंकि आपको पता है अगर कभी भी हम डिस्काउंट रिकवरी करते हैं या कभी भी इंटरेस्ट रिकवरी करते हैं तो ये वैल्यू का पार्ट बनता है, क्लियर। और वैल्यू का पार्ट बनता है तो वैल्यू ऑफ मशीन का पार्ट बनेगा, और मशीन की रेट ऑफ टैक्स कितना बेटा, 12% आई जीएसटी, तो इसको डिवाइड बाय 112 एंड मल्टीप्लाई बाय 12, क्योंकि इसने पूछा है जीएसटी लायबिलिटी ऑफ डीपीएल फॉर द मंथ ऑफ मार्च। ओके 339,200 इंटू 12 डिवाइड बाय 112 अमाउंट आएगा क्या, 3634, राउंड ऑफ कर लेना 343। सर देखिए आंसर क्या है अप्रोक्स 36343, फर्स्ट पॉइंट ही ए जो ऑप्शन है यही हमारा करेक्ट आंसर है, 36343 इज द करेक्ट आंसर, आगे देखो ही मत सर आप। आइए पॉइंट नंबर 4 इधर बढ़ते हैं हम इसी इक्वेशन के, पॉइंट नंबर 4। ओके सर समझ में आ रहा बच्चों आपको? तो सर कुछ नहीं है, जो क्वेश्चन आपने सोल्व किए उसको एमसीक्यू फॉर्म में पूछा हुआ है, पर हाँ गलती होने के चांसेस होते हैं, उसको आपको अवॉइड करना बेटा। सर सप्लाई ऑफ मशीनरी एंड सप्लाई ऑफ इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग सर्विस इज कंपोजिट सप्लाई, हम बात कर चुके बेटा, इट्स अ कंपोजिट सप्लाई, द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय डीपीएल एंड कैश डिस्काउंट रिकवर्ड ऑन अकाउंट ऑफ डिलेड पेमेंट ऑफ कंसीडरेशन इज 31 मार्च। तो सर क्योंकि जब इंटरेस्ट और डिस्काउंट का अमाउंट आप रिकवरी करते हो तो जब वो अमाउंट आपको रिसीव होता है वही क्या होता है, टाइम ऑफ सप्लाई, याद करो सेक्शन नंबर 12। अरे हाँ है ना बच्चों, सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 6 इंटरेस्ट के केस में लेट पेमेंट फी वगैरह जब आप रिसीव करोगे वही दिन टाइम ऑफ सप्लाई होता है, तो कंपोजिट सप्लाई और 31 मार्च इज द टाइम ऑफ सप्लाई, क्लियर। तो सर ए इज द करेक्ट आंसर अगेन इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। सो सब क्वेश्चन नंबर 5, इफ द ग्रांट ऑफ ₹3,20,000 रिसीव्ड बाय डीपीएल हैड बीन रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टेड ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी धर्म लिमिटेड, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट देता तो वैल्यू का पार्ट नहीं बनता, विथ अदर फैक्ट्स रिमेनिंग द सेम द जीएसटी लायबिलिटी ऑफ डीपीएल फॉर द मंथ ऑफ जनवरी वुड हैड बीन। ओके अगर ये 3,20,000 ग्रांट जो था ये अगर हमको सेंट्रल गवर्नमेंट देता इंस्टेड ऑफ होल्डिंग कंपनी तो हम इसको वैल्यू का पार्ट नहीं मानते, तो ऐसे केस में जीएसटी लायबिलिटी कितनी होती, फॉर द मंथ ऑफ जनवरी पूछा इसने। तो सर ये देखिए हमने आंसर निकाला बेटा, तो यहां पर इस पर्टिकुलर केस में
ये ग्रांट का जो अमाउंट दे रखा है उसको आप वैल्यू का पार्ट मत मानिए। अब सर 72,32,000 आप ऑलरेडी वैल्यू निकाल चुके हो, क्लियर सर? ये ऑलरेडी हमने वैल्यू निकाला था बेटा, इसमें से लेस कर दो क्या? ग्रांट का अमाउंट 3,20,000, तो सर वैल्यू वैल्यू जो आएगा इस केस में आएगा 69,12,000 इज द वैल्यू। ओके, क्वेश्चन ने क्या पूछा है? जीएसटी लाइबिलिटी 69,12,000 इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 12% से, तो आंसर आएगा क्या साहब? 829,440, 829,440 इज द आंसर। देखिए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, तो 829,440, क्योंकि अगर ग्रांट सेंट्रल गवर्नमेंट देता है या स्टेट गवर्नमेंट देता है तो वैल्यू का पार्ट नहीं बनता है। तो हमने क्या किया, वैल्यू तो वैसे भी निकाला था, बस ग्रांट का अमाउंट ने हटा दिया हमने, हमारा आंसर आ गया बेटा, क्लियर डन। तो सर एमसीक्यू में ये फायदा भी बेटा, आपको पूरी कैलकुलेशन वापस डिस्क्राइब नहीं करनी है। ओके माहौल, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर टू जो केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू था खत्म होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर थ्री जो एमसीक्यू का गन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर थ्री बच्चों, तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस किस तरह से एग्जाम में पूछेंगे इसका आइडिया लगा बेटा आपको? क्लियर डन। आओ सर, श्री राम सेवा ट्रस्ट इज अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन नंबर 12AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। इट हैज ऑर्गेनाइज्ड अ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम रिलेटिंग टू, ओके ओके, ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, सेक्शन 12AA में रजिस्टर्ड है साहब। इट हैज ऑर्गेनाइज्ड अ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम रिलेटिंग टू पर्सन ओवर द एज ऑफ 65 ईयर्स, ओके, रिसाइडिंग इन अ वेल प्लान्ड सिटी इन द मंथ ऑफ अप्रैल। बच्चों आपको पता है अगर सर पर्सन ओवर द एज ऑफ 65 ईयर्स रिसाइडिंग इन रूरल एरिया अगर होता है और उसके लिए अगर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम करता है, चैरिटेबल एक्टिविटी के स्कोप में कवर हो जाएगा। और अगर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने चैरिटेबल एक्टिविटीज प्रोवाइड करी है तो ऐसे केस में वो एग्जम्प्ट होता है जीएसटी से। पर यहाँ पे तो लिखा है क्या, ओवर द एज ऑफ 65 ईयर्स हु आर रिसाइडिंग इन अ वेल प्लान्ड सिटी, मतलब नॉट अ रूरल एरिया, ओके, इन द मंथ ऑफ अप्रैल, मतलब ये टैक्सेबल होगा बेटा। इट इज रिसीव्ड द फॉलोइंग अमाउंट्स अंडर द फॉलोइंग अंडर द प्रोग्राम। सब्सक्रिप्शन फी फॉर द प्रोग्राम 50,000, स्पॉन्सरशिप फी 1,00,000, कंसिडरेशन फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स 3,00,000, ओके। बिसाइड्स द ट्रस्ट हैज रिसीव्ड द डोनेशन ऑफ रुपीज 2,00,000 इन दिस मंथ। अच्छा, डोनेशन इज नॉट अ वैल्यू सप्लाई। हनुमान अकाउंटेंट ऑफ श्री राम सेवा ट्रस्ट इज नॉट लाइबल इज नॉट एबल टू डिटरमाइन द टैक्सेबिलिटी ऑफ द अबव अमाउंट्स रिसीव्ड अंडर द जीएसटी लॉ। ही सीक योर एक्सपर्टीज इन डिटरमाइनिंग सम, एंड यस यू आर द एक्सपर्ट माहौल एकदम। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ श्री राम सेवा ट्रस्ट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल मंथ के लिए वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई निकालना है, तो कुछ नहीं करना सर, तीनों अमाउंट को जो बॉक्स में दे रखे ऐड कर दो, तो 4,50,000 इज द अमाउंट। तो सर 1,00,000 + 3,00,000 + 50,000 इनको ऐड किया तो 4,50,000 इज द वैल्यू सप्लाई जिसपे जीएसटी लगेगा बच्चों, क्लियर? अच्छा, 2,00,000 डोनेशन का अमाउंट है उसको वैल्यू में इंक्लूड नहीं करते हैं, क्लियर? दैट इज नॉट सप्लाई, दैट इज नॉट सप्लाई एट ऑल, दैट इज नॉट अ कंसिडरेशन एट ऑल, क्लियर डन। क्वेश्चन नंबर फोर, हैप्पी सिंह इज अ लॉफुल ओनर ऑफ अ रेजिडेंशियल हाउस। सर ध्यान देना बेटा, हैप्पी सिंह के बारे में कहा इसने सर, यस, हैप्पी सिंह इज द लॉफुल ओनर ऑफ अ रेजिडेंशियल हाउस सिचुएटेड इन चंडीगढ़, ओके। द प्रॉपर्टी हैज फोर फ्लोर्स कंस्ट्रक्टेड ऑन इट, चार फ्लोर की प्रॉपर्टी है बेटा। आउट ऑफ द फोर फ्लोर्स इन हिज हाउस, फर्स्ट एंड सेकेंड फ्लोर आर सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड थर्ड एंड फोर्थ फ्लोर हैव बीन लेट आउट फॉर रेजिडेंशियल पर्पजेज, ओके। सर फर्स्ट और सेकेंड फ्लोर में तो खुद रहता है सर, और थर्ड और फोर्थ फ्लोर इसने लेट आउट किया है फॉर रेजिडेंशियल पर्पज। रतनजोत सिंह, ओके, रतनजोत सिंह हु इज अ टेनेंट ऑन द थर्ड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे रहता है कौन? रतनजोत सिंह हैज सरेंडर्ड हिज टेनेंसी राइट्स टू परमिंदर सिंह फॉर अ टेनेंसी प्रीमियम ऑफ ₹5,00,000 ऑन 1st of June, ओके। सर इसने क्या किया है, टेनेंसी राइट्स याद है बेटा, टेनेंसी राइट्स ट्रांसफर कर दिए फॉर अ टेनेंसी प्रीमियम ऑफ ₹5,00,000 ऑन 1st of June, किसको? परमिंदर सिंह को, परमिंदर सिंह वहां रहेगा, ओके। परमिंदर सिंह हैज पेड द एप्लीकेबल स्टैंप ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस ऑन द ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट्स। बच्चा टेनेंसी राइट्स ध्यान देना बेटा, भले स्टैंप ड्यूटी पे करो, रजिस्ट्रेशन फी पे करो या ना करो, वो वैल्यू का पार्ट बनता है। ये हम ऑलरेडी एक सर्कुलर था, हम वो बात कर चुके हैं बेटा, क्लियर? सर्कुलर दिया था कि टेनेंसी प्रीमियम इज द सप्लाई ऑफ सर्विस। मोरेवर परमिंदर सिंह विल पे मंथली रेंट ऑफ ₹50,000 टू हैप्पी सिंह फ्रॉम जून,
ओके जून मंथ से 50,000 रुपये परमिंदर सिंह रेंट पे करेगा किसको, हैप्पी को, जो ओरिजिनल ओनर था प्रॉपर्टी का। ओके साहब, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इन द गिवन केस फॉर द मंथ ऑफ जून। जून मंथ के लिए वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई क्या होगा बच्चों, ध्यान रखना, हैप्पी सिंह ने तो घर दिया है किराए पे किसके लिए, रहने के लिए, तो सर परमिंदर सिंह दे या रंजोत सिंह दे, हैप्पी सिंह को जो रेंट मिला है, रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेजिडेंस, तो उस पर तो जीएसटी नहीं लगेगा, तो सर हैप्पी सिंह के तो वैल्यू हो गया कितना, जीरो। अब बात आती है क्या, फाइल एक रुपये जो टेंडेंसी प्रीमियम है, सर ध्यान देना बेटा ये बहुत डिस्प्यूटेड मैटर है इन द करंट सिनेरियो, पर हाँ जिस तरह से आरटीपी ने आंसर दिए, जिस तरह से आईसीआई ने कंसिडर किया है, मैं आपके सामने शेयर कर दूंगा बात को कि सर टेनेंसी प्रीमियम पे आप स्टैंप ड्यूटी पे करो या सर रजिस्ट्रेशन चार्ज पे करो, उसे कोई कंसर्न नहीं है, वो वैल्यू का पार्ट बनता है, और वैल्यू का पार्ट बनता तो दैट्स अ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस, क्लियर। तो 5,00,000 रुपये इन्होंने क्या कर दिया, टैक्सेबल सर्विस कर दिया इन द हैंड्स ऑफ रतनजोत सिंह, क्योंकि उसने टेनेंसी प्रीमियम चार्ज किया किससे, परमिंदर सिंह से। तो आंसर क्या आ रहा है बेटा इसका, 5,00,000 इज द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई फॉर रतनजोत सिंह एंड फॉर मिस्टर हैप्पी सिंह नील। तो जहां पे 5,00,000 रतनजोत सिंह और हैप्पी सिंह नील लिखा है, बी इज द करेक्ट आंसर एज पर आरटीपी बेटा। पर ध्यान देना बेटा, दिस इज डिस्प्यूटेड पॉइंट, आरटीपी ने आंसर दिया है किस तरह से दिया सोच के मैंने आपको बताया, पर दिस इज अ डिस्प्यूटेड पॉइंट। कारण यह है कि सर जो पर्सन टेनेंसी प्रीमियम चार्ज कर रहा है रतनजोत सिंह, जिससे चार्ज किया है, क्या वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, क्योंकि कोई भी ट्रांजेक्शन सप्लाई तभी कहलाता है जब सप्लाई इज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो क्या उसके बिजनेस पर्पज के लिए या बिजनेस के फर्दरेंस के लिए उसने टेनेंसी प्रीमियम चार्ज किया है, एक क्वेश्चन तो ये। सेकेंड थिंग, जो टेनेंसी प्रीमियम चार्ज किया है वो किसके लिए चार्ज किया है, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग को ऑक्यूपाई करने के लिए बेटा, और रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेजिडेंस एग्जम्प्ट होता है बेटा। पर इसमें मार्केट में भी डिस्प्यूट चल रहा है, लॉ सेटल नहीं हुआ अभी तक ये वाला, पर सर अलग अलग एक्सपर्ट की अलग ओपिनियन है, इसलिए अभी आईसीएआई ने जो आंसर दिया है आरटीपी के अंदर आप उसको फॉलो करिए एग्जाम्स पर्पस के लिए, रिस्क को कम करने के लिए बच्चों। पर हाँ जहां तक मेरा आइडिया है, जिन मैटर्स में डिस्प्यूट होते हैं एग्जामिनेशन पर्पस के लिए, नॉर्मली उन एग्जाम्स उन क्वेश्चन को नॉर्मली आईसीआई एग्जाम में नहीं पूछता है, पर फिर भी मैं हमेशा आपसे रिकमेंड करूंगा फॉलो आईसीआई आंसर जहां डिस्प्यूट है इंडस्ट्री के अंदर। आईसीआई ने अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर दिया, फॉलो आईसीआई आंसर फॉर एग्जाम पर्पस। ओके बेटा, तो इस पर्टिकुलर केस में ऑल्दो आंसर डिस्प्यूटेड है, पर आरटीपी ने जो आंसर दिया, हैप्पी सिंह तो नील वाला, हैप्पी सिंह पे लायबिलिटी नहीं आएगी क्योंकि उसने घर किराया दिया रहने के लिए, पर टेनेंसी प्रीमियम इज द वैल्यू सप्लाई, भले उस पर स्टैंप ड्यूटी या रजिस्ट्रेशन फी आप पे करते नहीं करते, वो वैल्यू का पार्ट बनता है, इसलिए 5,00,000 को टैक्सेबल मान लिया इन द हैंड ऑफ रतनजोत सिंह बेटा, क्लियर। पर प्रैक्टिकल मार्केट में ये डिस्प्यूटेड है, क्योंकि वेदर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ये है या नहीं है, क्लियर। ये सब चीजें फैक्टर डिटरमाइन करेगी कि वो वैल्यू का पार्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, सप्लाई टैक्सेबल है या नहीं है। ओके बच्चों, सेकंड थिंग, घर किराए पे दिया है, भले टेनेंसी प्रीमियम या कुछ भी हो, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग है बेटा, रेंट तो लिया, एक तरह से राइट टू ऑक्यूपाई दिया बेटा, तो ऐसे केस में उसमें भी जीएसटी नहीं लगना चाहिए। सेकंड एंगल ये भी है बेटा, पर अगेन मैटर डिस्प्यूटेड है, इसलिए फॉलो आईसीआई आंसर, 5,00,000 को टैक्सेबल मानिए अभी एग्जाम पर्पस के लिए बेटा। ओके, आइए पॉइंट नंबर बी। सर सेम क्वेश्चन आपने देखा होगा बुक के अंदर है ऑलरेडी, मिस्टर कला इज अ प्रोवाइडर ऑफ मेसर्स कला एंड एसोसिएट्स रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी विच डील्स इन सेल और परचेज ऑफ सेकेंड हैंड कार्स ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर ही इफेक्टेड द फॉलोइंग इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन। ओके, इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन की कार 1, 2, 3, 4 परचेज प्राइस सेल प्राइस दे रखा है और वो रजिस्टर्ड पर्सन है, सेकेंड हैंड कार में डील करता है बेटा। मिस्टर कला हैज परचेज्ड कार 4, कार नंबर 4 जो है, फ्रॉम अनदर रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज चार्ज जीएसटी ऑफ रुपीज 1,30,000 एंड अकॉर्डिंगली मिस्टर कला हैज अवेल्ड द आईटीसी ऑफ द सेम। ओके, डिटरमाइन द जीएसटी लायबिलिटी ऑफ मिस्टर कला अज्यूमिंग द एप्लीकेबल रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। ओके बच्चों, आपको पता है जो भी पर्सन सेकेंड हैंड गुड्स में डील करता है सर, अगर उसने अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज किया तो उसको रूल नंबर 32 सब रूल नंबर 5 में ऑप्शन दे रखा है कि आप डायरेक्टली सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस करके जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू पे टैक्स पे कर देना, और वैल्यू कभी भी नील और नेगेटिव रहे तो इट शुड बी कंसिडर इज नील। पर कंडीशन क्या है, उस गुड्स के परचेज पे जो टैक्स पे किया उसका आईटीसी नहीं मिलेगा, सिंस इसने केवल कार नंबर 4 ही रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज किया है, बाकी सब कार तो इसने अनरजिस्टर्ड परचेज करी, सिंस इन्फॉर्मेशन केवल कार नंबर 4 की दे रखी है कि कार 4 रजिस्टर्ड से परचेज करी है, इसका मतलब बाकी 3 अनरजिस्टर्ड परचेज करी। तो सर कार नंबर 1, 2, 3 में तो ये रूल नंबर 32(5) ऑप्ट कर लेगा बेटा, और कार नंबर 4 के लिए सर ये नॉर्मल प्रोविजन फॉलो करेगा। और हाँ, रूल नंबर 32 सब रूल नंबर 5 में कहीं नहीं लिखा है
कि आपने जो ऑप्शन लिया वो पूरे साल चलेगा, ऐसा नहीं है। आप गुड्स टू गुड्स ऑप्शन चेंज कर सकते हो कि 32/5 मेरे को ऑप्ट करना है कि नहीं करना है। ट्रांजेक्शन टू ट्रांजेक्शन आप चॉइस ले सकते हो कि रोलोमो 32/5 आपको ऑप्ट करना है कि नहीं करना है। तो कार नंबर 1, 2, 3 देख लेते हम, उसमें तो क्या होगा, सेल प्राइस माइनस परचेस प्राइस। ओके, सेल प्राइस कितना बेटा, कार नंबर 1 750 माइनस परचेस प्राइस 5 लाख, तो 250 सेल प्राइस माइनस परचेस प्राइस 2,50,000 आ गया। ओके वैल्यू, कार नंबर 2 2,75,000 इज द सेल प्राइस, परचेस प्राइस 3 लाख। अरे परचेस 3 लाख में क्या बेचा, 2,75,000 में, मतलब 25,000 लॉस में बेचा है। तो सर जब भी वैल्यू नेगेटिव आती है तो इट शिल बी डीम्ड टू बी निल, तो सर इसको जीरो मानते हुए कुछ भी लेस नहीं करना है, कुछ भी प्लस नहीं करना आपको। क्लियर। कार नंबर 3 650 इज द सेल प्राइस, 6 लाख इज द परचेस प्राइस, तो 50,000 इज द मार्जिन। क्लियर, तो मार्जिन आ गया इसका 3 लाख रुपए, तो 3 लाख तो इसका नॉर्मल जिस पे इसको जीएसटी पे करना है वो आ जाएगा अमाउंट। तो सर 3 लाख एक अमाउंट अलग हो गया। कार नंबर 4 के अंदर क्या करना पड़ेगा बेटा आपको, 9,50,000 इसकी सेल प्राइस है। अब सेल प्राइस पर रेट ऑफ टैक्स दे रखा है इसने 18%, तो सेल प्राइस पर नॉर्मल टैक्स लगाइए 18% पूरी प्राइस बेटा, तो 1,71,000 आ गया बेटा सेल प्राइस पे लायबिलिटी। माइनस कर दो क्या, परचेज में जो जीएसटी पे किया उसका कितना आईटीसी इसने लिया बेटा, 1,30,000 बेटा। और आपको बताया जो पर्सन फर्दर सप्लाई ऑफ कार के लिए कार परचेज करता है उसको आईटीसी मिलता है, ब्लॉक रेट में कवर नहीं है, तो 1,30,000 उसको आईटीसी मिल जाएगा बेटा। तो सर 1,71,000 उसकी सेल पे लायबिलिटी थी, 1,30,000 उसने आईटीसी ले लिया, तो नेट लायबिलिटी कार नंबर 4 पे होगी कितनी, 41,000 की। अब 41,000 की लायबिलिटी कार नंबर 4 पे। अच्छा बाकी कार नंबर 1, 2, 3 का जो हमने देखा था कैलकुलेशन, वो कैलकुलेशन था 3 लाख रुपए, तो 3 लाख रुपए क्या है बेटा, 3 लाख रुपए उसका मार्जिन है। अब मार्जिन का 18% होता है कितना, 54,000। अब 54,000 प्लस 41,000 जो आपकी लायबिलिटी थी कार नंबर 4 पे आता है कितना, 95,000। तो आंसर नंबर ए इज करेक्ट आंसर बेटा, तो सर ए 95,000 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया पॉइंट आपको, ये हमने क्या किया, कार नंबर 4 का नॉर्मल सेल प्राइस जो लायबिलिटी थी वो माइनस उसका आईटीसी, फिर बाकी 3 कार का जो मार्जिन था उसका सेल प्राइस माइनस परचेस प्राइस, इग्नोरिंग कार नंबर 2 क्योंकि वहां नेगेटिव मार्जिन है बेटा, वो जो मार्जिन था उसको 18% से हमने मल्टीप्लाई कर दिया रेट ऑफ टैक्स से, हमारा आंसर आ गया बेटा। क्लियर माहौल। सर आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं हम। लकी सिंह अ रेसिडेंट ऑफ नोएडा यूपी वेंट टू हिमाचल प्रदेश फॉर अ फैमिली वेकेशन वाया दिल्ली चंडीगढ़ हिमाचल इन हिज ओन कार। वाओ, ठीक है साहब, बिफोर लॉकडाउन ही गया होगा बेटा ये। सर आफ्टर एंटरिंग चंडीगढ़ हिज कार ब्रोक डाउन ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यू। ओके, कार खराब हो गई साहब। ही कॉल्ड ऑन रोड्स एन इमरजेंसी रोड साइड कार असिस्टेंट कंपनी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन दिल्ली। ओके, एक दिल्ली की कंपनी है, उनको उन्होंने कॉल किया कि साहब हमारी कार खराब हो गई है, टू रिपेयर दी कार। ओके, दी कार वॉज रिपेयर्ड बाय द स्टाफ ऑफ ऑन रोड्स, द वैल्यू ऑफ सप्लाई अमाउंटेड ₹50,000, ओ हो 50,000 रुपये, बींग लेबर चार्ज ₹40,000 एंड स्पेयर पार्ट ₹10,000। ओके सर, और आपको पता है कि लेबर और ये जो स्पेयर पार्ट है इट्स कंपोजिट सप्लाई। ओके, द बिल वॉज सपोज टू बी जनरेटेड ऑनलाइन थ्रू द सर्वर बट ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यू इट वॉज नॉट सो जनरेटेड। ओके सर, ये ऑनलाइन बिल इशू करते हैं पर टेक्निकल इशू की वजह से ऑनलाइन जनरेट नहीं कर पाया, ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है उसे। डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई इन दिस केस। सर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा बच्चों, बताए यहाँ पे भी एक बार गलती होने के चांस क्या है, हम लोग क्या करते हैं, अच्छा अच्छा हमने किसी गुड्स का रिपेयरिंग किया है, तो जब गुड्स का रिपेयरिंग करते हैं तो जहां रिपेयरिंग किया वही प्लेस ऑफ सप्लाई होता है। अरे बच्चों वो सेक्शन 13(3) था बेटा, जहां फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द गुड्स सही है, पर यहां सेक्शन 13 नहीं लगेगा, यह सेक्शन 12 लगेगा। और सेक्शन 12 क्या बोलता है, सेक्शन 12 जहां पे सप्लायर और रेसिपिएंट ऑफ सर्विस बोथ आर ऑफ टैक्सेबल टेरिटरी, तो ऐसे केस में सब सेक्शन 2 से लेकर मतलब सेक्शन नंबर 12 से आपका प्लेस ऑफ सप्लाई निकलेगा बेटा। पर सर प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन नंबर 12 लगाएंगे जब हम, तो वहां पे सब सेक्शन 2 ये बोलता है अगर आपका केस सब सेक्शन 3 से लेके 14 में कवर नहीं है तो सब सेक्शन 2 लगेगा, जो रेसिडुअल प्रोविजन है। अब सर सब सेक्शन 3 से लेके 14 तक हम जब देखते हैं तो उसमें इसका कोई स्पेसिफिक एंट्री नहीं है, मतलब देखो 3 बोलता है कि इसके लिए रेंट इम्यूबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विसेज, 4 बोलता है कि इसके लिए पर्सनल ग्रूमिंग रेस्टोरेंट सर्विसेज, अरे हाँ है ना, 5 किसके लिए कमर्शियल ट्रेनिंग और कोचिंग सर्विसेज, 6 किसके लिए सर किसी भी इवेंट का टिकट वगैरह ले रहे हो बेटा एंट्री टिकट,
देन सेवन किस लिए ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट या स्पॉन्सरशिप सर्विसेज या रिलेटेड एनसिलरी सर्विस हो गई। एट क्या है बेटा आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, नाइन क्या है ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर, टेन क्या है ऑनबोर्ड सर्विसेज, इलेवन क्या है टेलीकॉम सर्विसेज आता है बेटा इंटरनेट सर्विसेज वगैरह केबल सर्विसेज ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज, क्लियर। देन सर नेक्स्ट क्या है आपका बैंकिंग सर्विसेज इंक्लूडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, देन इंश्योरेंस सर्विसेज 13 और 14 है एडवर्टीजमेंट सर्विसेज टू गवर्नमेंट। मतलब आपने जो रिपेयरिंग सर्विसेज दी है ये आपके सबसेक्शन 3 से लेकर 14 में कहीं कवर नहीं होती है। और सर जिसका कोई नहीं उसका सबसेक्शन में 2 बोलता है रेसिमेंट अगर रजिस्टर्ड है तो उसका लोकेशन, रेसिमेंट रजिस्टर्ड नहीं है पर उसका एड्रेस ऑन रिकॉर्ड है तो वो लोकेशन, वो भी नहीं तो फिर सप्लायर का खुद का लोकेशन प्लेस सप्लाई हो गया। अब सिंस मिस्टर लकी सिंह रेसिडेंट नोएडा यूपी का ये जीएसटी में रजिस्टर्ड है या नहीं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो हमें मानेंगे जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। सेकंड थिंग क्वेश्चन ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि रेसिपेंट अपना एड्रेस दिया है लोकेशन दिया है। साहब उसने कार खराब हो गई कार रिपेयरिंग के लिए बुलाया लोगों को उन्होंने रिपेयरिंग करके चले गए बेटा वो लोग, हमारा एड्रेस प्रूफ तो उनको देते नहीं नॉर्मल कोर्स में, तो ऐसे केस में हमें मान लेंगे कि रेसिपेंट का लोकेशन ऑन रिकॉर्ड नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन दी भी नहीं सर इसने, तो ऐसे केस में सप्लायर का लोकेशन क्या हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। और सप्लायर का लोकेशन क्या है सप्लायर कहाँ का बेटा दिल्ली का है, ऑन रोड्स कंपनी रजिस्टर्ड इन जीएसटी इन दिल्ली, तो दिल्ली इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। सो दिल्ली आंसर ए इज द करेक्ट आंसर, सो दिल्ली इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, डन सर दिल्ली क्लोज ए इज द आंसर, क्लियर पक्का बेटा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, समझ में आया बच्चों आपको ये। क्योंकि अब इसने रिपेयरिंग भले ही कहां करी है सर चंडीगढ़ में करी फिर भी प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली होगा क्योंकि सर सर्विसेज कहाँ परफॉर्म करी उसे कोई मतलब नहीं है, सेक्शन में 12 सब सेक्शन 2 जनरल रूल्स नहीं लग के सप्लायर का लोकेशन जो दिल्ली है वही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा, डन। आइए सर क्वेश्चन नंबर सेवन कस्टम्स रिलेटेड बेटा ध्यान देना बच्चों, इस क्वेश्चन में एक एरर था, क्वेश्चन में एरर था इसलिए आईसीएआई ने आरटीपी के अंदर इस क्वेश्चन को चेंज किया, क्लियर। आप देखेंगे तो कॉरिजेंडम दे रखा है आईसीए ने, ये क्वेश्चन आईसीए ने चेंज किया है, तो सर जिनके पास अपना नया वाला क्वेश्चन आ रहा जिसमें मैंने आरटीपी दे रखा है उनको ये क्वेश्चन चेंज करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन गलत था, ओके। तो सर आप लोग ध्यान रखना नई आरटीपी के हिसाब से, मतलब नया आरटीपी मतलब आईसीए ने कॉरिजेंडम दे रखा है इस क्वेश्चन के लिए उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। वैसे मैंने चेंज किया है इस आंसर को, जिनके पास नया वाला आरटीपी है कोई दिक्कत नहीं सर, नया आरटीपी मतलब कॉरिजेंडम आप देख रहे हो आईसीए ने जो इश्यू किया उसके बाद। तो क्वेश्चन क्या है आउटलाइन द स्टेप वाइज प्रोसीजर ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स इनटू इंडिया। इसमें क्या क्या आईसीए ने, अगर जिनके पास मेरी वाली बुक है बेटा क्वेश्चनर उसमें जब मैंने आरटीपी दे रखा है नया वाला क्वेश्चनर उसमें आप लोग चाहे तो चेंज कर दे, इसमें जो पॉइंट नंबर 2 है अराइवल ऑफ वेसल उसको कट कर दो डिलीट कर दो सर उसको, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया सिक्वेंस जो जमाया है बेटा, क्योंकि इसने क्या किया आउटलाइन द स्टेप वाइज प्रोसीजर ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स इनटू इंडिया उसको हमें स्टेप वाइज देना है सर। तो आईसीए ने क्या किया है जो पॉइंट नंबर 1 है अभी इस आपके पास अगर ये वाली बुक है तो फाइलिंग ऑफ आईजीएम इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट इसको पॉइंट नंबर 2 कर दिया बेटा, तो आप चाहे तो सिक्वेंस चेंज कर दो तो आंसर आपका उस अकॉर्डिंग मैच हो जाएगा बेटा। आईसीए ने क्वेश्चन चेंज किया बेटा, तो जो फाइलिंग ऑफ आईजीएम है पॉइंट नंबर 2 है, फिर ग्रांट ऑफ एंट्री इनवर्ड टू वेसल है वो पॉइंट नंबर 1 है, रीनंबरिंग करा रहा हूं मैं अपनी बुक के अंदर, या आपके पास अगर पुरानी आरटीपी प्रिंटेड है ओरिजिनल आरटीपी जो आई थी तो उसमें भी आप करेक्शन कर सकते हो बेटा। पॉइंट नंबर 1 जो इंपोर्ट ऑफ फाइलिंग ऑफ इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट है उसको पॉइंट नंबर 2 कर दीजिए, अराइवल ऑफ वेसल कट कर दीजिए, पॉइंट नंबर 3 ग्रांट ऑफ एंट्री इनवर्ड टू वेसल पॉइंट नंबर 1 कर दो इसको, फिर अनलोडिंग ऑफ गुड्स पॉइंट नंबर 3, फिर पॉइंट नंबर 4, फिर पॉइंट नंबर 5 और लास्ट पॉइंट नंबर 6 पेमेंट ऑफ ड्यूटी बेटा, ये सिक्वेंस यही रहेगी सर, ओके। तो आपने सिक्वेंस चेंज कर दिया, अब हम क्वेश्चन पढ़ लेते बेटा फटाफट। आउटलाइन द स्टेप वाइज प्रोसीजर ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स इनटू इंडिया, ओके। देखो बेटा सबसे पहले क्या होगा सर, अब सारे पॉइंट पढ़ लो हम सीक्वेंस संभालते, इसने क्या सीक्वेंस दिया छोड़ो आप, फाइलिंग ऑफ इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट सर, अच्छा हम तो नया सीक्वेंस जमा उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। अभी पॉइंट नंबर 1 हो गया ग्रांट ऑफ एंट्री इनवर्ड टू वेसल दे रखा फर्स्ट, फिर दे रखा फाइलिंग ऑफ आईजीएम, फिर दे रखा अनलोडिंग ऑफ गुड्स, फिर असेसमेंट ऑफ गुड्स, फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री और पेमेंट ऑफ ड्यूटी, ये सीक्वेंस में क्वेश्चन आपको दे रखा है, ओके। सबसे पहली बात आईजीएम फाइल होगा इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, तो हमारे सीक्वेंस के अंदर पॉइंट नंबर 2 जो है वो सबसे पहले आएगा, फिर वेसल आए सर वेसल आ गया ध्यान देना बेटा, अब अराइवल ऑफ वेसल तो पॉइंट कट गया बेटा, तो पॉइंट नंबर 2 जो है वो फर्स्ट हो गया सीक्वेंस जो हम जमाएंगे आंसर में, देन ग्रांट ऑफ एंट्री इनवर्ड अनलोडिंग का ऑर्डर मिलेगा, एंट्री इनवर्ड मिल गया उसको, एंट्री इनवर्ड मिलने के बाद फिर अनलोडिंग होगा बेटा, तो सर
पॉइंट नंबर टू, फिर फर्स्ट, फिर पॉइंट नंबर थ्री आएगा अनलोडिंग, फिर अनलोडिंग के बाद आप बिल ऑफ एंट्री फाइल करेंगे तो पॉइंट नंबर फाइव आएगा, उसके बाद असेसमेंट होगा और उसके बाद पेमेंट ऑफ ड्यूटी रहेगा। तो दिस इज द सिक्वेंस ऑफ द आंसर। तो सर हमारे लिए आंसर रहेगा क्या, टू, फिर फर्स्ट, फिर थ्री, फिर फाइव, फिर फोर एंड फिर सिक्स। तो सर आपका आंसर जो रहेगा वो पॉइंट नंबर डी रहेगा। और हाँ, जिनके पास अपनी वाली बुक है क्वेश्चनर में या जिनके पास आरटीपी ओरिजिनली जो प्रिंट हुई थी आईसीए की, तो आप लोग आंसर चेंज कर दीजिए। डी आंसर जो है बेटा, डी इज द करेक्ट आंसर, पर डी में आंसर में करेक्शन हुआ क्योंकि क्वेश्चन में करेक्शन हुआ, इसलिए सेकेंड, फर्स्ट, थ्री एंड देन फाइव, देन फोर एंड देन सिक्स। ओके बेटा, ये आईसीए ने ओरिजिनल में देखे इस एमसीक्यू को रिप्लेस किया है बेटा। ओके सर, आइए क्वेश्चन नंबर एट। बच्चों इसमें भी एक टाइपिंग एरर हो गया आरटीपी के अंदर आईसीआई से, उसको हम करेक्ट कर लेंगे। इसके लिए कोरिजनम नहीं आया, पर हाँ इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वो कोरिजनम आ जाएगा, पर यस वो टाइपिंग एरर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रिलेशन टू क्लेम ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक अंडर सेक्शन 75 ऑफ द कस्टम्स एक्ट 1962। बच्चों पहले जो करेक्शन है इस क्वेश्चन के अंदर वो मैं करा देता हूँ, सो दैट आपको कंफर्ट जोन रहेगा, पढ़ते वक्त टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। जो इसके थर्ड पॉइंट दे रखा है वहां करेक्शन कर दीजिए, मैं बताता हूं आपको करेक्शन क्या करना है। थर्ड पॉइंट जो दे रखा है ऑप्शंस में, काउंटर वेलिंग ड्यूटी एंड सेफ गार्ड ड्यूटीज आर इंक्लूडेड, वो आर इंक्लूडेड नहीं, आर नॉट इंक्लूडेड कर दीजिए बेटा उसको, आर नॉट इंक्लूडेड। ओके, पॉइंट नंबर थ्री के अंदर, आई रिपीट, पॉइंट नंबर थ्री में काउंटर वेलिंग ड्यूटी एंड सेफ गार्ड ड्यूटीज आर नॉट इंक्लूडेड वाइल डिटरमाइनिंग ऑल इंडस्ट्री रेट ऑफ ड्रॉबैक, ठीक है, एंड दस कैन बी क्लेम्ड इन एप्लीकेशन, ये सब लिखा है बेटा, नोट लिख दिया अपने बेटा। अब पढ़िए क्वेश्चन को, वापस पढ़ना बेटा। क्वेश्चन नंबर एट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रिलेशन टू क्लेम ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक अंडर सेक्शन 75 ऑफ द कस्टम्स एक्ट। करेक्ट कौन सा नहीं है, द अपर लिमिट फॉर ड्रॉबैक इज 1/3 ऑफ द मार्केट प्राइस ऑफ द एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। सही है बेटा, सेक्शन 75 के रेस्पेक्ट में, मतलब ऑल इंडस्ट्री रेट, ब्रांड रेट, स्पेशल ब्रांड रेट वाला कैसे याद आया, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ड्रॉबैक इज 1/3 ऑफ द मार्केट प्राइस। तो सर ये तो करेक्ट आंसर है, हमको निकालना है कौन सा करेक्ट नहीं है, दिस इज करेक्ट। ओके, काउंटर वेलिंग ड्यूटीज एंड सेफगार्ड ड्यूटीज आर इंक्लूडेड इन ऑल इंडस्ट्री रेट ऑफ ड्रॉबैक। बेटा देखो, काउंटर वेलिंग ड्यूटीज एंड सेफगार्ड ड्यूटीज ये स्पेशल केसेस में लगते हैं, जनरल ड्यूटी नहीं है, इसलिए ऑल इंडस्ट्री जब गवर्नमेंट डिटरमाइन करता है वो तो जनरल टैक्स लेता है बेटा, कस्टम ड्यूटी वगैरह सब लेता है वो, पर काउंटर वेलिंग ड्यूटी और सेफगार्ड ड्यूटी तो एक्सेप्शनल केस में लगते हैं, जिसके लिए आप ब्रांड रेट या स्पेशल ब्रांड रेट अप्लाई करके आप रिफंड ले सकते हो, पर ऑल इंडस्ट्री रेट लेते वक्त गवर्नमेंट इनको कंसिडर नहीं करता है। तो सर इसने क्वेश्चन पॉइंट नंबर टू ने क्या लिखा है, काउंटर वेलिंग ड्यूटीज एंड सेफगार्ड ड्यूटीज आर इंक्लूडेड इन ऑल इंडस्ट्री रेट ऑफ ड्रॉबैक, ये गलत आंसर है। तो दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग, मतलब हमारे लिए आंसर में ये आएगा क्योंकि हमको निकालना कौन कौन से करेक्ट नहीं है, तो सेकंड करेक्ट नहीं सब। और आगे देखो, काउंटर वेलिंग ड्यूटीज एंड सेफगार्ड ड्यूटीज आर नॉट इंक्लूडेड वाइल डिटरमाइनिंग ऑल इंडस्ट्री रेट ऑफ ड्रॉबैक एंड दस कैन बी क्लेम्ड इन एप्लीकेशन फॉर फिक्सिंग ऑफ ब्रांड रेट। ये सही जवाब बेटा, दिस इज करेक्ट, क्योंकि ये ऑल इंडस्ट्री रेट में काउंट नहीं करते, पर आप ब्रांड रेट या स्पेशल ब्रांड रेट के लिए अप्लाई करते हो तो आप ऑफिसर को बोल सकते हो साहब इसको भी कंसिडर करें जब आप हमारे लिए ब्रांड रेट या स्पेशल ब्रांड रेट फिक्स कर रहे हो, तो इसके लिए सर्कुलर भी आया था बेटा, ध्यान। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट। पॉइंट नंबर फोर, प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 75 आर नॉट एप्लीकेबल ऑन गुड्स एक्सपोर्टेड बाय पोस्ट। भाई एक्सपोर्ट बाय पोस्ट तो अलाउड है, भले ही वो सेक्शन 74 हो या 75 हो, इसलिए दिस स्टेटमेंट इज अगेन इनकरेक्ट। तो सर हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट मिलना है, बताना कौन कौन सा है, तो 2 एंड 4 आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो 2 एंड 4 कहा है सर, सी इज द करेक्ट आंसर, 2 एंड 4। माहौल आइए क्वेश्चन नंबर 9। सर क्वेश्चन नंबर 9, सर ये आपके एमसीक्यू पार्ट खत्म हो गया है, ध्यान दीजिए बेटा, एमसीक्यू सारे कवर हो गए आपके। ओके सर, अब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं आपके लिए, सर ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 1 इज वेर, मतलब क्वेश्चन नंबर 9 जो एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, मजा आएगा माहौल। सर स्काईलार्क प्राइवेट लिमिटेड, अच्छा एक बात और, एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपने कर लिए अभी, आपने देखा हो अगर आपको लॉ आते हैं, प्रोविजंस अगर आपको आते हैं, तो एमसीक्यूज आपसे अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे बेटा, क्लियर। इसलिए बच्चों आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चंस के पीछे नहीं भागना है आपको, आपको लॉ सबसे पहले अच्छे से रिवाइज करना है, क्लियर। मेरा आप सबको मैसेज यही है कि एग्जामिनेशन डे जो आपको 1.5 डे मिलता है, वो दिन आपको लॉ पार्ट रिवाइज करना चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करने चाहिए। हाँ कुछ क्वेश्चन आपको मार्क कर देने चाहिए, जो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, बड़े क्वेश्चन होते हैं, जिसको लास्ट डे अगर आपने देख लिया तो आपको जल्दी से वो आंसर याद आ जाएगा, रिमाइंड हो जाएगा, या ट्रिकी क्वेश्चन को मार्क कर देना चाहिए। पर केवल क्वेश्चन देखे गए, लॉ पार्ट पूरा रिवाइज नहीं किया, कंटेंट पूरा रिवाइज नहीं किया, ये मैं एडवाइस नहीं करता। बेटर गो फॉर रिविजन ऑफ द कंटेंट,
प्लस कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन जो बड़े अच्छे होते हैं वो। ओके, स्काईलार्क प्राइवेट लिमिटेड नोएडा उत्तर प्रदेश इज एंगेज्ड इन वेरियस काइंड्स ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज। ओके, इट मैन्युफैक्चर्स टैक्सेबल गुड्स इज ऑल्सो प्रोवाइड्स सर्टेन सर्विसेज। ओके, द कंपनी हैज ब्रांच ऑफिस इन न्यू दिल्ली। ब्रांच ऑफिस है कहाँ? न्यू दिल्ली में। ओके साहब, उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड है, न्यू दिल्ली में इसका ब्रांच ऑफिस है। द हेड ऑफिस एट नोएडा एंड द ब्रांच ऑफिस इन न्यू दिल्ली आर रजिस्टर्ड इन जीएसटी। ओके, द ब्रांच ऑफिस इन न्यू दिल्ली इज एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी। न्यू दिल्ली वाली ब्रांच फुल आईटीसी के लिए एलिजिबल है साहब। ओके, ये इन्फॉर्मेशन कब काम आती है बेटा? जब ब्रांच ट्रांसफर करते हैं हम, तो एक्चुअल वैल्यू को हम एक्सेप्ट कर लेंगे फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यूएशन। अगर रेसिपिएंट जो ब्रांच है आपकी डिस्टिंक पर्सन, उसको फुल आईटीसी मिलता है तो बेटा तब देखते हैं आगे कोई काम आएगा तो। द कंपनी हैज रिपोर्टेड अ टोटल टर्नओवर ऑफ रुपीज 256 करोड़ माहौल एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय द कंपनी इन रिलेशन टू सच टर्नओवर। ओके सर, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दे रखा। एक बार हम क्वेश्चन पलट के देख लेते हैं कि सर आखिर ये चाहता क्या है, सो दैट हम पढ़ते पढ़ते सॉल्यूशन भी सोल्व क्वेश्चन भी सोल्व करते जाए, टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। ओके सर, लास्ट में दे रखा है, आप देखिए, कंप्यूट द जीएसटी लाइबिलिटी सी जीएसटी एंड एस जीएसटी और आई जीएसटी एस डी केस में भी ऑफ स्काईलार्क प्राइवेट लिमिटेड नोएडा फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट। मेक सुटेबल अजम्पशन वेर एवर रिक्वायर्ड, अज्यूम द रेट ऑफ टैक्सेस टू बी एज अंडर सी जी एस टी एस जी एस टी आई जी एस टी गुड्स केस में 6%, 6%, 12% और सर्विसेज में 9%, 9%, 18% इज द रेट ऑफ जी एस टी। ओके, तो 256 करोड़ इसका टर्न ओवर जो दे रखा है, इसने ब्रेकअप दे रखा है ट्रांजेक्शन का, हमको देखना है कितना लाइबिलिटी आएगा। ओके तो सर हम एक काम करते हैं, यहाँ स्क्रीन पर देखते हैं हम एक बार, सोल्व करने से पहले हम लोग बॉक्सेस तैयार कर लेते हैं, हमको सोल्यूशन करना है यहाँ पे। इधर हम लिख देंगे क्या सीरियल नंबर, बड़ा क्वेश्चन है सर, अच्छे से या लिख देंगे क्या पार्टिकुलर्स माहौल, यहां पे लिखेंगे वैल्यू अमाउंट क्या आ रहा है, फिर तीन कॉलम लायबिलिटी के लिए सी जी एस टी एस जी एस टी और आई जी एस टी एस केस में जो भी लायबिलिटी आएगी हम इधर कैलकुलेट करेंगे सर। एक काम करते हैं, थोड़ा सा कॉलम छोटा कर लेते हैं, सो दैट स्क्रीन के साइड में मैं भी आ जाऊंगा सर। यह लिखते थे लाइबिलिटी सी एस और आई, ये क्या है बेटा आपकी जीएसटी की लाइबिलिटी माहौल सर। ओके सर, 256 इज द टोटल टर्नओवर। फर्स्ट पॉइंट द टर्नओवर इंक्लूड्स रुपीज, फर्स्ट पॉइंट सीरियल नंबर वन, ब्लू पेन ले लू क्या, ब्लू है पानी पानी माहौल, ठीक है साहब। फर्स्ट पॉइंट द टर्नओवर इंक्लूड्स रुपीज 45 करोड़ फ्रॉम द सेल ऑफ सिक्योरिटीज विच वर परचेज्ड फॉर रुपीज 30 करोड़ इन द मंथ ऑफ जनवरी लास्ट ईयर। ओ भाई, सेल ऑफ सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज आर नीदर गुड्स नॉर सर्विसेज, और सर सिक्योरिटी के सेल करने पर कोई जीएसटी नहीं लगता, तो फर्स्ट है 45 CR नो जीएसटी लायबिलिटी। ओके सेकेंड सर, द कंपनी सप्लाइड गुड्स वर्थ रुपीज 50 करोड़ टू एबीसी लिमिटेड। ओके, द कंपनी सप्लाइड गुड्स वर्थ रुपीज 50 करोड़ टू एबीसी लिमिटेड इन यूके। ओके, यूनाइटेड किंगडम बेटा, उत्तराखंड नहीं होए, अंडर द कवर ऑफ एलयूडी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, क्योंकि एलयूडी लिखा बेटा है ना, उत्तराखंड के लिए एलयूडी क्यों चाहिए बेटा इसको। द टोटल एक्सपोर्ट प्रोसीड्स आर रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट इटसेल्फ। ओके, रुपीज 30 करोड़ इन फॉरेन करेंसी एंड बैलेंस रुपीज 20 करोड़ इन INR। ओके सर, टोटल अमाउंट जो था 50 करोड़ का था, वो टोटल अमाउंट इसको रिसीव भी हो गया सेम मंथ में, पर 30 करोड़ फॉरेन करेंसी में आया, 20 करोड़ इंडियन INR में आया बेटा। पर सरकार आप मुझे बताओ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का डेफिनेशन क्या है? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स मीन्स टेकिंग गुड्स फ्रॉम इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, एंड ध्यान देना बेटा सर, वहाँ पे कई फॉरेन करेंसी रिसीव होना चाहिए, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लिखा हुआ है, क्लियर? तो सर अभी तो हमारे को क्या हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा सर एक्सपोर्ट के लिए विदाउट पेमेंट टैक्स, क्योंकि इनने एलयूटी साइन किया है। तो 50 करोड़ सर इस पे एलयूटी साइन किया हुआ है, और सिंस
एक्सपोर्ट हो गया है, एलईडी साइन किया, कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। ऑल दो एक्सपोर्ट इज इंटरस्टेट सप्लाई पर एलईडी साइन कर दिया, इसलिए कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। देन द कंपनी प्रोवाइडेड कंसल्टिंग सर्विसेज टू शेरपा एंड सन्स इन नेपाल फॉर रुपीज 30 करोड़ अंडर एलईडी। बेटा ये सर्विसेज है, ध्यान रखना, गुड्स की बात नहीं कर रहा हूं। नेपाल अंडर द कवर ऑफ एलईडी द एंटायर कंसिडरेशन इज रिसीव्ड इन INR इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट इटसेल्फ। पूरा पैसा INR में आ गया अगस्त में, पर INR में आया, नेपाल से आया विद द परमिशन ऑफ RBI। माहौल सर सर्विसेज के ऐसे बोला हुआ है कि वेर एवर परमिटेड बाय RBI, अगर फॉरेन करेंसी नहीं रिसीव होता और INR भी रिसीव होता चल जाएगा, हम एक्सपोर्ट में कवर कर लेंगे। सिंस यहाँ पे नेपाल से आया है विच इज परमिटेड बाय RBI, तो भले ही फॉरेन करेंसी नहीं है, सर्विसेज है बेटा, सर्विसेज में एक्सपोर्ट तो भी मानते जब कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज आया बेटा। अच्छा, किसी भी सर्विस को एक्सपोर्ट का मानते हैं, सप्लायर इंडिया का होना चाहिए, रेसिपिएंट आउट ऑफ इंडिया का होना चाहिए, प्रेस ऑफ सप्लाई भी आउट ऑफ इंडिया होना चाहिए, पेमेंट फॉरेन करेंसी माना चाहिए। अगर RBI ने अलाउ कर दिया तो INR चल जाएगा, और सर दोनों पर्सन सेम पर्सन के अलग अलग एस्टेब्लिशमेंट नहीं होने चाहिए। सिंस सप्लायर इंडिया का है, रेसिपिएंट शेरपा एंड सन्स आउट ऑफ इंडिया का है, उसको सर्विसेज दी कंसल्टिंग सर्विसेज के केस में रेसिपिएंट का लोकेशन ही प्लेस सप्लाई होता है, क्योंकि सबसेक्शन 2 जनरल प्रोविजन कवर होता है बेटा ये। एंड सर INR में आया विद परमिशन RBI, और दोनों पर्सन सेम पर्सन के अलग अलग ब्रांच नहीं, अलग अलग एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एक्सपोर्ट में कवर हो गया, और एक्सपोर्ट में कवर है और LUT साइन किया तो आपको कोई IGST पे करने की जरूरत नहीं है। कितना अमाउंट बेटा 30 CR, नो GST बच्चों, नो GST माहौल, क्योंकि वेर एवर परमिटेड बाय RBI, अगर INR में पैसा आता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। देन पॉइंट नंबर 4, द टर्नओवर ऑफ रुपीज 256 करोड़ जो था ऊपर दिया हुआ था, द टर्नओवर इंक्लूड्स सप्लाई ऑफ गुड्स वर्थ रुपीज 10 करोड़ टू शंघाई जियांगो, ओह माहौल नाम भी ऐसा जोरदार है सर, ट्रेडिंग कंपनी, अ कंपनी बेस्ड इन चीना, चाइना, अभी तो सर चाइना के नाम से गुस्सा आ रहा सबको सर, पर हमने सप्लाई किया ना, वैसे परचेज करते तो गुस्सा आता है, यहां से आप चाइना बेचो, दबा के बेचो, कोई दिक्कत नहीं, चिंगचोंग। द टर्नओवर इंक्लूड्स सप्लाई ऑफ गुड्स वर्थ रुपीज 10 करोड़ टू शंघाई जियांगू ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, जियांगू है ना, जियांगू, आप थोड़ा और कोशिश करना कांच में देखे अपने आपको, मजा आएगा आपको भी सर। सर कंपनी बेस्ड इन चाइना, ओके, हमने सप्लाई किया गुड्स, कुल मिला के चाइना का सप्लाई किया बेटा, कितने का 10 करोड़ का, एज पर द सेल कॉन्ट्रैक्ट द सेल द गुड्स वर टू बी असेंबल्ड एट शंघाई जियांगू ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड ऑफिस इन गुरुग्राम। एज पर द सेल कॉन्ट्रैक्ट द गुड्स वर टू बी असेंबल्ड एट, जो भी कंपनी है उसका ऑफिस है गुरुग्राम में, द पेमेंट ऑफ द गुड्स इज रिसीव्ड इन कन्वर्टेबल फॉरन एक्सचेंज इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट इटसेल्फ। पेमेंट तो आ गया फॉरन एक्सचेंज में, आ गया ऑगस्ट में आ गया, पर सर हमको गुड्स डिलीवर कहाँ करना है, असेंबल कहाँ करना है, जाके गुरुग्राम में जाके असेंबल करना है। और गुड्स का डेफिनेशन में, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का डेफिनेशन क्या है, टेकिंग गुड्स फ्रॉम इंडिया टू अ प्लेस आउटर इंडिया, एंड यहाँ पे क्या हो रहा है साहब, आपका ऑफिस है नोएडा उत्तर प्रदेश में, और वहां से आप जाके कहाँ दे रहे हो गुड्स, गुरुग्राम हरियाणा में, टेकिंग गुड्स फ्रॉम इंडिया टू प्लेस आउटर इंडिया है ही नहीं, ये एक्सपोर्ट नहीं है। एक्सपोर्ट नहीं है तो भले ही पैसा फॉरेन करेंसी में किसमें भी आए, हमें GST पे करना है। टर्नओवर कितना था वैल्यू 10 करोड़, और सर सिंस उत्तर प्रदेश से सप्लाई किया इसने, टर्नओवर इंक्लूड्स गुड्स वर्थ रुपीज 10 करोड़ टू शंघाई ट्रेडिंग कंपनी बेस्ड इन चाइना, एज पर सेल कॉन्ट्रैक्ट गुड्स वर टू बी असेंबल्ड एट कंपनीज ऑफिस इन गुरुग्राम हरियाणा, और सर द पेमेंट ऑफ द गुड्स इज रिसीव्ड इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज, कोई मतलब नहीं सर, 10 करोड़ पे GST लगेगा, सिंस UP उत्तर प्रदेश से गुड्स आ रहा है कहाँ बेटा, गुरुग्राम हरियाणा में, तो सर इंटरस्टेट सप्लाई IGST लगेगा बेटा, और रेट ऑफ टैक्स क्वेश्चन दे रखा बेटा, गुड्स सप्लाई किया बच्चों, गुड्स पर रेट ऑफ टैक्स है 12%, तो सर 10 करोड़ का 12% कितना होगा, 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 20 लाख इज द लाइबिलिटी ऑन गुड सप्लाई टू गुरुग्राम ऑफिस ऑफ चाइना बेस्ड कंपनी। ओके सर पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, गुड्स वर्थ रुपीज 20 करोड़ आर सप्लाइड अंडर LUT लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग टू DEF प्राइवेट लिमिटेड लोकेटेड इन SEZ इन द स्टेट ऑफ UP इटसेल्फ। बच्चों अगर आपने, अच्छा आगे कोई पॉइंट दे रखा है इसका नहीं, तो 20 करोड़ का गुड्स है बेटा, और 20 करोड़ का गुड्स अगर आप सप्लाई करते हो किसको, SEZ को, और SEZ को सप्लाई करते हो वो जीरो रेटेड सप्लाई केस में कवर होता है, और जीरो रेटेड सप्लाई केस में आपने अगर LUT साइन किया तो आपको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। सिंस इसने LUT साइन किया कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं, कोई लायबिलिटी नहीं आएगी। माहौल आइए पॉइंट नंबर 6, देखिए क्वेश्चन दिखने में बड़ा दिखता है पर सर एक एक पॉइंट अपना आप सॉल्व हो रहा है बच्चों, आइए माहौल जबरदस्त।
गुड्स वर्थ रुपीज 40 लाख वर बींग प्रोक्योर्ड फ्रॉम अ वेंडर इन जापान. ओके, परचेज किया आपने जापान वाले से. वाइल द गुड्स वर इन ट्रांजिट द कंपनी सिक्योर्ड एन ऑर्डर फॉर द सेड गुड्स फॉर रुपीज 50 लाख फ्रॉम अ बायर इन थाईलैंड. जापान से परचेज किया गुड्स. और वेन द गुड्स वर इन ट्रांजिट यू सोल्ड द सेम गुड्स टू अ बायर इन थाईलैंड. Thus the goods were directly sent to Thailand without entering goods into India. बच्चों माहौल सर आपको पता है 50 लाख में आपने 50 करोड़ में आपने सॉरी 50 लाख है ये करोड़ नहीं है 50 लाख है बेटा 50 लाख में आपने गुड सेल किया सर जापान से परचेज के डायरेक्ट थाईलैंड बेच दिया तो सर विदाउट गुड्स एंटरिंग इनटू इंडिया अगर होता है इस तरह का सेल तो इट्स नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस शेड्यूल 3 में कवर है बेटा और इस पर कोई जीएसटी की लायबिलिटी नहीं आएगी बिकॉज इट्स नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, द कंपनी ओन्स 3 इमूल प्रॉपर्टीज इन नोएडा. ओके, ये भी नोएडा का है और प्रॉपर्टी भी का है नोएडा में साहब. ओके, द फर्स्ट बिल्डिंग इज लेट आउट फॉर रनिंग अ प्रिंटिंग प्रेस एट ₹10 लाख पर मंथ. ओके, पर मंथ अपने को अगस्त मंथ का कैलकुलेशन करना है बेटा, है ना, अगस्त मंथ का कैलकुलेशन करना पर एनम से मतलब नहीं पर मंथ. ₹10 लाख प्रिंटिंग प्रेस के लिए साहब टैक्स भरे जाइए. सेकंड बिल्डिंग इज लेट आउट फॉर रेजिडेंशियल पर्पजेज ₹8.5 लाख पर मंथ. सर अगर आपने घर किराए पर दिया रहने के लिए तो सर ऐसे केस में उसमें जीएसटी एग्जम्प्ट होता है बेटा. क्लियर? अच्छा, आप क्वेश्चन ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया कि वो प्रॉपर्टी जो थी वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थी या कमर्शियल थी, तो आपने घर के लिए दिया ना रेजिडेंशियल पर्पज के लिए तो अज्यूम करेंगे कि वो रेजिडेंशियल ड्वेलिंग ही था बेटा, तो वो एग्जम्प्ट हो गया सर. द थर्ड बिल्डिंग इज लेट आउट टू अ कोल्ड स्टोरेज ऑपरेटर ₹8.5 लाख पर मंथ. द कोल्ड स्टोरेज ऑपरेटर सबलेट्स द बिल्डिंग एज वेयरहाउस टू एज अ वेयरहाउस टू स्टोर पोटेटोज. ओके, पोटेटो स्टोर करने के लिए इसने आगे सबलेट दिया है. पर बच्चों देखो आपको पता है वेयरहाउसिंग चार्जेस होता ना बेटा पोटेटो के लिए, वो एग्जम्प्ट होता है जीएसटी से. हमने तो क्या किया है, हमने एक बिल्डिंग रेंट पे दी है टू रन एज अ कोल्ड स्टोरेज, तो सर वो रेंटिंग पे टैक्स लगेगा सर. अगर हम डायरेक्ट पोटेटो की स्टोरेज चार्ज अगर लेते तो टैक्स माफ था. हमने तो किसी पर्सन को दिया है बिल्डिंग रेंट पे दिए, ही इज रनिंग इट एज अ वेयर हाउस, तो साहब उस रेंटिंग पे टैक्स लगेगा साहब. तो ऐसे केस में सर ₹10 लाख पर मंथ जो प्रिंटिंग प्रेस के लिए था और ₹5 लाख पर मंथ जो कोल्ड स्टोरेज के लिए था, ये ₹15 लाख क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा. तो आउट ऑफ 20 लाख 5 लाख एग्जम्प्ट है और सर ये आउट ऑफ 20 लाख 5 लाख पे नो जीएसटी और 15 लाख पे जीएसटी लगेगा. पर ध्यान देना बेटा सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा. कारण क्या है बेटा कि सेम स्टेट है बेटा, इंट्रा स्टेट सप्लाई हो गया. ये बिल्डिंग जिस स्टेट में लोकेटेड थी वही प्लेस सप्लाई होता है और सेम नोएडा में लोकेटेड थी तो सेम स्टेट इज द प्लेस सप्लाई, तो इंट्रा स्टेट हो गया. अब 15 लाख पर सर्विसेज है बेटा, ये सर्विसेज रेट ऑफ टैक्स 9% सीजीएसटी एसजीएसटी रेस्पेक्टिवली 9%, तो 1 लाख 35,000 और सर आईजीएसटी में डैश कर दिया हमने. ये था पॉइंट नंबर 7. ओके, पॉइंट नंबर 8, द रिमेनिंग टर्नओवर 2121. ओके, 2121 सर, द रिमेनिंग टर्नओवर कंप्राइज्ड ऑफ टैक्सेबल गुड्स सोल्ड विद इन द स्टेट एंड आउटसाइड द स्टेट इन द रेशियो ऑफ 3:2. ओके, द रिमेनिंग टर्नओवर कंप्राइज्ड ऑफ टैक्सेबल गुड्स, गुड्स है बेटा विद इन द स्टेट एज वेल एज आउटसाइड द स्टेट इन द रेशियो ऑफ 3:2. ओके, तो रिमेनिंग टर्न ओवर बेटा टोटल टर्न ओवर था 256 करोड़, तो 256 करोड़ बेटा ये ध्यान रखना. माइनस करते जाइए तो रिमेनिंग टर्न ओवर निकलना पड़ेगा. -45, -50, -30, -10, -20, पर बच्चों अब जो आ रहा है वो 50 लाख है और 70 लाख है, 20 लाख है बेटा, तो -0.5 करेगा, -0.2 करेगा, तो 100.3 आएगा बेटा आपका, तो 100.3 करोड़ इज द रिमेनिंग टर्नओवर. क्लियर सर? अब इसको क्या करना है बेटा आपको, 3:2 के रेशियो में डिवाइड करना है, डिवाइड बाय 5:3, तो आ गया 60 करोड़ 18 लाख और 40 लाख
12,000, 40 करोड़। ओहो, माहौल अभी गलती कर देते हम लोग। फिगर्स ऑन करोड़, तो 100 करोड़। मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ? बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ साहब। क्लियर? तो सर 256 करोड़ में से 100.30 करोड़ जो टर्नओवर था उसको हमने 3:2 के रेशियो में बांट दिया है, और 3:2 के रेशियो में बोल दिया इसने गुड सप्लाई किया विद इन द स्टेट, तो विद इन द सेम स्टेट हो गया 60,40,000। क्लियर? तो 60 करोड़, सॉरी बार बार लैक बोल रहा हूँ, 60 करोड़ 18 लैक्स, 60 करोड़ 18 लैक मल्टीप्लाई बाय, सिंस ये सेम स्टेट में विद इन द स्टेट है ये, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 6% से, सीजीएसटी लाइबिलिटी, एसीएसटी लाइबिलिटी बेटा। तो सर 3 करोड़, 61 लाख, 8,000 इज द लाइबिलिटी सीजीएसटी, सेम 3 करोड़ 61 लाख, 8,000 इज द लाइबिलिटी एसजीएसटी। ओके, आईजीएसटी के लिए 40 लाख, 40 करोड़ 12 लाख, 40 करोड़ 12 लाख इनटू डायरेक्टली 12%, क्योंकि इंटरेस्ट रेट 12%, 4 करोड़ 81 लैक्स, 44,000, 4 करोड़ 81 लैक, 44,000 इज द लाइबिलिटी ऑफ आई जी एस टी इन केस ऑफ दिस रिमेनिंग टर्न ओवर ऑफ 40 करोड़ 12 लैक्स। ओके सर आइए, द टोटल टर्न ओवर ऑफ रुपीज 256 करोड़ इंक्लूड्स द टर्न ओवर रेफर टू इन पॉइंट नंबर 1 to 7 अबव। ओके, जो हमने ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन ली थी और हमने उस अकॉर्डिंग कैलकुलेशन किया है। इन एडिशन टू द अबव द कंपनी ट्रांसफर्ड इट्स स्टॉक टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम नोएडा टू दिल्ली ब्रांच विदाउट एनी कंसिडरेशन। द वैल्यू डिक्लेयर्ड इन द इनवॉइस इज 4.5 करोड़ एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सच गुड्स इज 10 करोड़। सच स्टॉक इज सोल्ड टू इंडिपेंडेंट बायर्स एट रुपीज 15 करोड़ एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। बेटा नोएडा से दिल्ली अगर आपने ट्रांसफर किया है तो आपको पता है दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन है, और अगर आपको पता है डिस्टिंक्ट पर्सन को सप्लाई किया है तो ऑल दो विदाउट कंसिडरेशन फिर भी सप्लाई होता है, और ऐसे केस में सर सप्लाई तो जीएसटी लगेगा, इंटरस्टेट आईजीएस लगेगा, पर आईजीएस जो लगेगा वो सर ध्यान देना बेटा किस वैल्यू पे लगेगा। रूल नंबर 28 फॉलो करेंगे वहां पे हम। रूल नंबर 28 बोलता है जब भी आपने गुड्स रिलेटेड पर्सन को या डिस्टिंक्ट पर्सन को सप्लाई किया, और अगर आपके रेसिपिएंट जो बायर है जो रिलेटेड पर्सन है या डिस्टिंक्ट पर्सन है उसको अगर फुल आईटीसी मिलता है, तो जो आपने बिल पे वैल्यू डिक्लेयर किया है, जो आपने इनवॉइस में वैल्यू डिक्लेयर किया है, वही हम ओपन मार्केट वैल्यू मान लेंगे। और सिंस दिल्ली ब्रांच को फुल आईटीसी मिलता है, जो क्वेश्चन के फर्स्ट पैराग्राफ में इन्फॉर्मेशन दी थी मैंने आपको बताया था बेटा सर, तो 4.5 करोड़ ही वैल्यू हम एक्सेप्ट कर लेंगे सर, तो यही पे लिख रहा हूं मैं 4.5 करोड़, 4.5 करोड़ टैक्सेबल होगा, वही वैल्यू मान लेंगे बेटा, क्योंकि वही ओपन मार्केट वैल्यू था, क्योंकि रेसिपिएंट को फुल आईटीसी मिलता है, क्वेश्चन के फर्स्ट पैराग्राफ ने इन्फॉर्मेशन दी थी अपने को। और सर ये गुड्स ट्रांसफर किया है टैक्सेबल गुड्स, तो टैक्सेबल गुड्स पर रेट कितना है 12% इंटरेस्ट रेट पे बेटा, तो सर 54 लैक इज द लाइबिलिटी का अमाउंट, 54 लैक्स। क्लियर? 54 इज द आईजीएसटी का लाइबिलिटी का अमाउंट बेटा। ओके सर आइए, सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, द कंपनी हैड सेंट गुड्स वर्थ रुपीज 12 करोड़ एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी to Messrs. Sharma Traders in the Haryana on approval basis on 15th of January, 15th of February, 15th of March, 4 crore each month. Okay, goods sent, मतलब 12 crore के goods इसने goods on approval basis भेजे थे बेटा, 4 crore के goods भेजे थे 15 जनवरी को, 4 crore के 15 फरवरी को, 14 फरवरी के बाद जो आता ना बेटा 15 फरवरी, 14 फरवरी के नेक्स्ट डे बेटा माहौल सर, एंड नेक्स्ट 4 crore कब, 15th ऑफ मार्च को। गुड्स सेंट ड्यूरिंग ऑल द 3 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स आर अप्रूव्ड इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। ओके, सेप्टेम्बर में अप्रूव कर दिया इसने। ओके सर ध्यान देना, पहली बात तो कहाँ भेजा इसने, हरियाणा। सर हम कहा है बेटा नोएडा उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश से हरियाणा जो होता है वो इंटरस्टेट होता है अगर सप्लाई हुआ तो। और आपको बताया क्या, अगर गुड्स ऑन अप्रूवल बेस पे भेजा है तो सप्लाई का मंथ है बेटा, पहली बात तो जब गुड्स जाएगा तो डिलीवरी चालान के थ्रू जाएगा, पर उसको टैक्स इन्वॉइस इश्यू करना पड़ेगा कब, या तो उसने अप्रूवल दे दी मतलब सप्लाई हो गया, या फिर 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज अर्लियर, उस दिन सप्लाई हो जाएगा मान लेंगे, उस दिन टैक्स इन्वॉइस इश्यू करना पड़ेगा, उस दिन लायबिलिटी आ जाएगी। अब सर देखते सर अभी हमारा जो कैलकुलेशन कर रहे हैं हम कौन सा मंथ के लिए कर रहे हैं, ऑगस्ट मंथ के लिए कर रहे हैं। अब सर क्या ऑगस्ट मंथ तक इनके, देख सेप्टेम्बर में इसने अप्रूवल दे दी पर क्या 6 महीने एक्सपायर हो गए ऑगस्ट मंथ या उससे पहले, देखते हम जनवरी मंथ से काउंट करो, तो सर फरवरी 1 महीन पूरा होगा 15 फरवरी, देन फरवरी के बाद क्या होगा, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई,
ओके सर, जुलाई में 6 मंथ एक्सपायर हो गएंगे, जनवरी मंथ वाले, तो उसकी लाइब्रेरी जुलाई में आपने पे करी होगी साहब, आपने को तो अगस्त की लाइब्रेरी निकालनी है। तो सेकंड कंसाइनमेंट जो आपने 15 फरवरी को भेजा है, तो ऑब्वियस बात है उसका 6 मंथ का एक्सपायर हो रहा होगा, अपने अगस्त मंथ में बेटा, अरे है ना 15 फरवरी को जो भेजा है, तो फरवरी से मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, तो 14 अगस्त को 6 मंथ एक्सपायर हो जाएंगे। 15 फरवरी को जो आपने गुड्स भेजा था 4 करोड़ का, तो इसका मतलब सिंस उसका अप्रूवल सितंबर में आया है, पर सर लायबिलिटी तो अगस्त में आ जाएगी, रीजन बिंग 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल एक्सपायर हो गए है, तो सर वो 4 करोड़ के लिए, अच्छा मार्च मंथ के लिए तो नेक्स्ट मंथ में ही अप्रूवल देगा, नेक्स्ट मंथ में ही सर 6 मंथ एक्सपायर होंगे, तो सर 15 फरवरी को जो आपने 4 करोड़ का गुड्स भेजा था उस पे आईजीएसटी की लायबिलिटी और आएगी। तो एक काम कर रहा हूँ मैं यहाँ पे ही लिख रहा हूँ सेपरेटली, सो दैट नेक्स्ट स्लाइड पे नहीं जाना पड़े अपने को, 4 करोड़ इंटू सिंस गुड्स बेटा ये गुड्स ट्रांसफर किया था इसने 12% रेट ऑफ टैक्स आईजीएसटी, तो 4 करोड़ का 12% कितना होता है, 4 करोड़ 12% 48 लाख, तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो 48 लाख का आईजीएसटी लायबिलिटी को और कैलकुलेट करना है पे बेटा, ध्यान ऐड करना है, क्लियर डन। तो सर ये सारी लायबिलिटी खत्म हो गई है, इनको ऐड करना है और जो अमाउंट आएगा दैट विल बी द अमाउंट ऑफ टैक्स विच विल बी पेबल बाय द असेसी टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली। हाँ है ना बच्चों, माहौल सर ऐड कर लेंगे इन सबको बेटा, क्लियर सर, देख लो सर लाइब्रेरी, अच्छा अब इनको सम टोटल करेंगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, पॉइंट समझ में आएगा आपको। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा कि बताइए जीएसटी लाइब्रेरी कितना है, क्या पूछा क्वेश्चन हमसे कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेबल इन द फॉलोइंग केसेस, ओके डन, और तो कुछ भी नहीं लिखा बेटा इसने, माहौल। तो सर इसी के साथ पूरा क्वेश्चन खत्म होता है अब, और जो जीएसटी लाइब्रेरी है आपके सामने है बच्चों, डन क्लियर डन। अच्छा आप आंसर जो दे रखा है आरटीपी ने वो गुड्स के लिए अलग दे रखा है, सर्विसेज के लिए अलग दे रखा है, नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नो सप्लाई ऑफ सर्विस अलग दे रखा है, प्रेजेंटेशन आपका अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, हमने ट्रांजेक्शन वाइज ले लिया, वर्किंग नोट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर, ये ध्यान रखिएगा एग्जाम्स टाइम में आप, ओके क्लियर डन, थैंक यू सो मच सर। ये क्वेश्चन एक बड़ा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, खत्म होता है अब। सर वर्किंग नोट्स में ध्यान रखना, आपको अगर एक एक सेक्शन नंबर सब सेक्शन नंबर क्लोज नंबर अगर आपको याद नहीं है कोई बात नहीं बेटा, पर आपको वर्किंग नोट अपनी लैंग्वेज में लिख के आना है, बुक की लैंग्वेज इज नॉट रिक्वायर्ड, ध्यान रखना बच्चों बुक की लैंग्वेज इट्स नॉट रिक्वायर्ड, कि आप बुक का लैंग्वेज ही लिख के आइए, नॉट रिक्वायर्ड बेटा, ओके डन। सर आइए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10 आरटीपी का, क्वेश्चन नंबर 10 पीक्यू स्टेचुरी बॉडी डील्स विथ ऑल द एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी ऑफ द गवर्नमेंट, इट हैज इश्यूड अ रिलीज ऑर्डर टू मून प्लस चैनल रजिस्टर्ड इन स्टेट ए फॉर टेलीकास्टिंग एंड एडवर्टीजमेंट रिलेटिंग टू वन ऑफ द स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट इन द मंथ ऑफ सेप्टेंबर, ओके द एडवर्टीजमेंट विल बी टेलीकास्टेड इन द स्टेट्स ऑफ ए बी सी डी एंड ई, द टोटल वैल्यू ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इन टू बिटवीन मून प्लस एंड पी क्यू इज रुपीज 10 लाख, ओके टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 10 लाख का, यू आर रिक्वायर्ड टू सप्लाई टू डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द सर्विसेज इन द इंस्टेंट केस इज ऑल्सो द वैल्यू ऑफ सप्लाई एट्रीब्यूटेबल टू स्टेट्स ए बी सी एंड डी एंड ई, ओके सर प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना है, और आपको पता है क्या एडवर्टीजमेंट सर्विसेज, एडवर्टीजमेंट सर्विसेज टू गवर्नमेंट या कोई भी स्टेट बॉडी को अगर आप एडवर्टीजमेंट सर्विस देते हो तो जिन जिन स्टेट में एडवर्टीजमेंट डिसमिनेट होता है, जिन जिन स्टेट में वो एडवर्टीजमेंट दिखता है डिसमिनेट डिस्प्ले होता है ब्रॉडकास्ट होता है, दैट रेस्पेक्टिव स्टेट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन 14। और हाँ अगर आपके टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ने डिफाइन, अगर मल्टीपल स्टेट में देखो एक ही स्टेट में एडवर्टीजमेंट दिख रहा है तो वही स्टेट प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया, मल्टीपल स्टेट और यूनियन टेरिटरी में अगर एडवर्टीजमेंट डिस्प्ले हो रहा है डिसमिनेट हो रहा है तो रेस्पेक्टिव स्टेट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोपोर्शनल टू वैल्यूएशन सिस्टम, अगर वैल्यूएशन एग्रीमेंट में दिया तो ठीक है सर, नहीं तो सर एज वी प्रिस्क्राइब, और उसके लिए रूल नंबर 3 दिया है आईजीएसटी रूल्स में जो बड़ा ही स्पेसिफिक है इंडस्ट्री स्पेसिफिक एग्जामिनेशन के लिए, मेरे को नहीं लगता कि एकदम इंडस्ट्री स्पेसिफिक इस तरह के पॉइंट आते हैं, पर हाँ आरटीपी ने क्वेश्चन दिया बेटा घबराने की जरूरत नहीं, बहुत इजी है इसका आंसर है। अब सर क्या होता है, अब सिंस इसका एडवर्टीजमेंट मोर देन वन स्टेट में डिसमिनेट हुआ तो रेस्पेक्टिव स्टेट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, देखते सर क्वेश्चन आगे इन्फॉर्मेशन क्या दी है, फर्दर कंप्यूट द जीएसटी लायबिलिटी सीजीएसटी एसजीएसटी और आईजीएसटी एज द केस में बी ऑफ मून प्लस इज ऑल्सो एडवाइस इट as to whether it should issue one invoice for the entire contract value or the separate state wise invoice, bachcho since alag value par agar state wise hai to respective state is the place to supply to isko alag bill hi issue karna padenge, single invoice issue nahi kar sakega, respective state wise isko alag alag bill issue karna padenge kyunki place to supply sabka alag alag hoga beta, the other
मतलब कुल मिला के इसको स्टेट वाइज सेपरेट बिल इश्यू करने पड़ेंगे। द अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इज गिवन एज अंडर। ओके, स्टेट ए, सर व्यूअरशिप फिगर्स ऑफ मून प्लस चैनल इन द लास्ट वीक ऑफ जून एज प्रोवाइडेड बाय द ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल 50,000 व्यूअरशिप फिगर दे रखा है इसने। स्टेट बी प्लस सी का दे रखा है 1 लाख, डी और ई का दे रखा है 50,000। अच्छा बच्चों, इसने एडवर्टीजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट दिया है इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। क्वेश्चन की थर्ड लाइन बोलती है सेप्टेम्बर मंथ में हमने एडवर्टीजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट दिया है फॉर वैल्यू ₹10 लाख। बच्चों याद रखना, जब भी इस तरह का एडवर्टीजमेंट टू गवर्नमेंट होता है तो इसमें जो रूल नंबर 3 दिया है आईजीएसटी रूल्स का, जो बड़ा है इंडस्ट्री स्पेसिफिक है, उसमें ये लिखा हुआ है जो एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा मेरे को नहीं लगता रिलेवेंट होगा बेटा, पर आरटीपी में दिया है, आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए सो दैट ये पॉइंट भी कवर हो जाए आपका। यहाँ पर सर उसमें दिया है कि जब भी इस तरह का एडवर्टीजमेंट देते हो आप, जो मल्टीपल स्टेटमेंट डिस्प्ले होने वाला है, डिसमिनेट होने वाला है, तो सर उसका प्रीवियस क्वार्टर, जिस क्वार्टर में एडवर्टीजमेंट दे रहे हो वो क्वार्टर का जो लास्ट क्वार्टर होता है, प्रीवियस क्वार्टर होता है, उससे पहले वाला क्वार्टर जो होता है उसका लास्ट वीक, उसके लास्ट वीक में जो व्यूअरशिप फिगर होता है उसके बेस पे हम प्रोपोर्शन करेंगे बेटा। तो व्यूअर्स देखो, आप वापस से टेबल नंबर 1 देखिए, व्यूअरशिप फिगर ऑफ मून प्लस चैनल इन द लास्ट वीक ऑफ जून एज प्रोवाइडेड बाय द ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इज, एक स्टेट के लिए 50,000 है, बी प्लस सी के लिए 1 लाख और डी और ई के लिए 50,000 दे रखा है। तो क्या करेंगे बेटा, जो लास्ट वीक ऑफ जून, देखो हमने सेप्टेम्बर में दिया बेटा, तो जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर इज द क्वार्टर, एंड सर अप्रैल मई जून इज द प्रीवियस क्वार्टर। तो अप्रैल मई जून में जो लास्ट क्वार्टर, लास्ट जो वीक है उसका इन्होंने व्यूअरशिप फिगर दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, 50,000 सर जो भी आपको व्यूअरशिप दे रखी है, देखिए बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 10, यहां पे ध्यान से देखना स्क्रीन पे बेटा, यहां पे दे रखा है अपने को क्या करना है, रेस्पेक्ट टू स्टेट वाइज निकालना बेटा। यहां पे ए का दे रखा है 50,000, बी प्लस सी का दे रखा है 1 लाख और डी प्लस ई स्टेट का दे रखा है आपको 50,000। ये दे रखा है आपको व्यूअरशिप फिगर बेटा, मतलब 1:2:1 हो गया बेटा, क्लियर। तो पहली बात तो क्या करेंगे हम, 1:2:1 के रेशियो में डिवाइड कर देंगे जो 10 लाख का पूरा फिगर है उसको। तो सर उससे क्या होगा, स्टेट ए का अलग आ जाएगा पर बी प्लस सी और डी प्लस ई का अलग आएगा बेटा। तो एक बार वो तो कर लीजिए हम। तो सर ए के लिए जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 1:2:1 मतलब 1/4 इंटू 10 लाख, तो आ गया कितना, 2,50,000। ये तो आ गया वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर स्टेट नंबर ए। बी प्लस सी के लिए जाएगा 2/4 इंटू 10 लाख, मतलब सर 5 लाख इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर स्टेट नंबर बी प्लस सी। एंड जब हम बात करेंगे डी प्लस स्टेट ई की, तो अगेन 1/4 इंटू 10 लाख, तो 250 इज द वैल्यू सप्लाई फॉर डी प्लस ई स्टेट। पर अपने को तो सर बी और सी स्टेट और डी और ई स्टेट का रेस्पेक्टिव स्टेट का वैल्यू सप्लाई निकालना पड़ेगा। अब आगे टेबल नंबर 2 में क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो देखिए, वो रिलेवेंट रहेगा आपके लिए बेटा। टेबल 2 में सर स्टेट दे रखा है ABCD पॉपुलेशन एज पर लेटेस्ट सेंसस इन क्रोड्स। तो सर जो लेटेस्ट सेंसस होता है, अगर कभी भी जैसे बी प्लस सी स्टेट दोनों स्टेट के साथ में आपको निकला है कि सर 5 लाख व्यूअरशिप काउंट के हिसाब से, सर व्यूअरशिप फिगर के हिसाब से 5 लाख इज द वैल्यू सप्लाई एलोकेटेड फॉर बी प्लस सी, तो वहां पे क्या करेंगे हम, इनकी जो पॉपुलेशन है उस रेशियो में हम डिवाइड करेंगे बेटा। तो पॉपुलेशन के रेशियो में क्या हो जाएगा, रेस्पेक्टिव स्टेट वाइज वैल्यू आ जाएगी बेटा सर। तो जो लेटेस्ट सेंसस होता है उसके बेस पे हम डिवाइड करेंगे बी प्लस सी का एंड डी एंड ई का बेटा, क्लियर। तो सर बी और सी, जब हम बी की बात करेंगे तो बी के लिए वैल्यू सप्लाई निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, बी का पॉपुलेशन कितना बेटा 180 करोड़, और सी का कितना है 20, तो बी प्लस सी कितना हो गया 200 इंटू 5 लाख इज द अमाउंट विच वॉज अलोकेटेड फॉर बी प्लस सी। तो इससे अमाउंट कितना आएगा, 5 लाख तो 450 बेटा, तो 4,50,000 एलोकेट हो गया किसके लिए, बी के लिए। तो वैल्यू सप्लाई बी के लिए आ गया 4,50,000 बेटा। सी के लिए सेम वे, सिंस 20 करोड़ इज द पॉपुलेशन डिवाइड बाय 200 बी प्लस सी का जो कैलकुलेशन था, मल्टीप्लाई बाय 5 लाख, हो गया कितना बेटा आपका 50,000 इज द वैल्यू सप्लाई फॉर सी।
ओके तो आपने आंसर निकाल दिया बेटा, ए के लिए आ गया है 250, बी के लिए आ गया है 450, सी के लिए आ गया है 50,000 बेटा। सेम वे स्टेट डी का 100 टर्नओवर बेटा, सर टर्नओवर क्या पॉपुलेशन बेटा, 100 डिवाइड बाय डी प्लस ई कितना हो गया 125, मल्टीप्लाई करेंगे डी प्लस ई के लिए कितना था 2,50,000 बेटा। तो सर आगे कितना 2 लाख, तो 2 लाख इज द वैल्यू सप्लाई फॉर स्टेट नंबर डी, एंड ई के लिए कितना हो जाएगा सर, सर 25 डिवाइड बाय 125 इंटू 2,50,000 बच्चा, हाँ ना बेटा कितना आ गया 50,000। सो 50,000 इज द वैल्यू सप्लाई फॉर स्टेट नंबर ई। तो सर ये स्टेट वाइज हमने क्या कर दिया, एलोकेशन कर दिया कि रेस्पेक्टिव स्टेट वाइज वैल्यू सप्लाई ये रहेगा। तो आउट ऑफ 10 लाख ए के लिए कितना है 250, बी के लिए कितना है 450, सी के लिए 50, डी के लिए 2 लाख, एंड ई के लिए 50,000 इज द वैल्यू सप्लाई। एंड सर रेट ऑफ टैक्स दे रखा है सी जी एस टी, ए जी एस टी, आई जी एस टी 9% 9% एंड 18% रेस्पेक्टिवली बेटा, क्लियर। अब सर आप देख लो कि सर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, रेस्पेक्टिव स्टेट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। अब गवर्नमेंट जो बॉडी ने, जो स्टेट बॉडी ने ऑर्डर दिया है वो कहाँ से लोकेटेड थी, वो क्वेश्चन को इन्फॉर्मेशन दिया गया, वापस देखिए क्वेश्चन को। पी क्यू स्टेटरी बॉडी deals with all the advertisement and publicity of the government. It has issued a release order to Moon Plus channel registered in state A. तो सर Moon Plus channel कहाँ registered है बेटा, state number A में registered है। अब state number A में अगर registered है कौन सा channel, Moon Plus channel, तो सर उसने advertisement disseminated supplier कहाँ पर है बेटा, state number A में, state number A में supplier है Moon Plus, और सर place of supply हो गया क्या, स्टेट ए ही अगर है प्लेस ऑफ सप्लाई तो वहां पर लगेगा सी जी एस टी और एस एस टी, क्योंकि वो इंट्रा स्टेट सप्लाई हो गया। और सर बाकी 4 स्टेट के केस में सर सिंस इट विल बी इंटर स्टेट सप्लाई, क्योंकि सप्लायर जो मून प्लस है चैनल वाला जिसने सर्विसेज दी है उसका लोकेशन है स्टेट ए, एंड रेस्पेक्टिव प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी स्टेट बी सी डी एंड ई। तो यहां पर लाइबिलिटी आएगी आई जी एस टी की, एंड अकॉर्डिंगली प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी रेस्पेक्टिव स्टेट बेटा, क्लियर। तो सर आप एक और टेबल बनाएंगे आंसर में, क्या करेंगे बेटा, लाइबिलिटी सी जी एस टी, ए सी एस टी और आई जी एस टी, 3 कॉलम बनेंगे बेटा। और वहां पे सर जो 250 आएगा अमाउंट फर्स्ट वाला, ये जो स्टेट ए का रेवेन्यू आ रहा है बेटा, मैं हाईलाइट करता हूँ येलो से, स्टेट ए का जो रेवेन्यू आ रहा है प्लेस ऑफ सप्लाई का, तो यहाँ पे तो 250 पे सी जी एस टी और ए सी एस टी लगेगा बेटा। स्टेट बी में आई जी एस टी, स्टेट सी में 50,000 इंटू 18% आई जी एस टी, डी में भी 2 लाख इंटू आई जी एस टी 18% बेटा, एंड ई में 50,000 इंटू 18% आई जी एस टी, अकॉर्डिंगली लाइबिलिटी विल बी डिटरमाइंड एंड प्लेस सप्लाई विल बी डिटरमाइंड यूजिंग दिस सेक्शन बेटा, दिस पॉइंट बेटा, क्लियर। आई होप समझ में आया बेटा आपको पॉइंट, क्लियर। तो गवर्नमेंट जब एडवर्टीजमेंट के कॉन्ट्रैक्ट देता है एक ही स्टेट का, अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो सर वो रेस्पेक्टिव स्टेट इज द प्लेस सप्लाई, क्लियर। और अगर मल्टीपल स्टेट का है तो व्यूअरशिप जो उनका काउंट होता है बेटा उसके अकॉर्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई निकलेगा अगर मल्टीपल स्टेट का है। और अगर मोर देन वन स्टेट का व्यूअरशिप ड्यूरेशन, व्यूअरशिप काउंट जो दे रखा है, व्यूअरशिप फिगर वो अगर मोर देन वन स्टेट का साथ में दे रखा है तो उनका जो लेटेस्ट सेंसस दे रखा है पॉपुलेशन का उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर देंगे रेस्पेक्टिव स्टेट में। आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट। इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 10 भी खत्म होता है। अब एक छोटा सा ब्रेक ले लेंगे बेटा, ओके। तो सर मिलते हैं ब्रेक के बाद, थैंक यू सो मच सर, माहौल जबरदस्त।